हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल विथ योर स्टडीज इन दिस लॉकडाउन पीरियड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फॉर कॉस्टिंग दैट इज बजटरी कंट्रोल वन ऑफ द इजीएसट चैप्टर वी कैन से दैट अप्रोक्स एट टू टेन मार्क सम होता है अगर इस चैप्टर से सम आया तो और ईजी है ठीक है मतलब इनिशियल डिस्कशन आप समझ लो थोड़ा बाकी वी कैन कंसिडर एज अ मेकेनिकल चैप्टर मोरोलेस एक फ्लो में सम करना है और सम में ज़्यादा वैरायटी नहीं होता है लाइक अदर चैप्टर्स जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो तो उसमें बहुत सारा वैरायटी पॉसिबल है बजटरी कंट्रोल में यहाँ पे ये सीट में जितने भी सम्स है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू ठीक है उससे ज़्यादा अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वी हैव ट्राई टू कवर अप ऑल दी वेरायटीज़ दैट इज़ पॉसिबल एट इंटरमीडिएट लेवल इन बजटरी कंट्रोल ठीक है इसके अलावा आपको कुछ और करना नहीं है ठीक है uh, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपने डिस्कस करना चाह रहे हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में बजट का यूज जो होता है ठीक है उसका डिस्कशन अगर करें अपने फिर अपने स्टार्ट करते ठीक है एग्जैक्टली exactly कि बजटरी कंट्रोल में सम कैसे करना है दैट इज अवर सेकेंडरी मैटर लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल डिस्कशन कि कैसे बजट बनता है और उसके यूजेस क्या क्या है ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके तो पहले तो ये आप बोलो ना बजट एक वर्ड तो सुना होता है बजट दैट इज एस्टिमेशन अबाउट फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है लेट्स एस्टिमेट दैट टूडे ठीक है उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप एक प्लान बना के चलो ना एक बजट बना के चलो तो फ्यूचर में जो अनसर्टनिटी है उसके लिए आज प्रिपेयर हो सकते हैं थोड़ा क्लियर है वी कैन वी कैन नॉट से दैट कि 100 परसेंट प्रिपेयर होकर ही आगे बढ़ सकते हैं वो अनसर्टनिटी फ्यूचर इज ऑल अबाउट अनसर्टनिटी ठीक है तो उसको एकदम ही कवर अप नहीं कर पाएंगे अपने कि नहीं नहीं कवर हो जाएगा सब कुछ अगर बजट बनाए तो बट स्टिल एक आइडिया आ जाता है फ्यूचर के बारे में कि चलो एक बार बजट बनाए तो फ्यूचर के बारे में अपने को पता चल रहा है कि क्या क्या हो सकता है अपने साथ ठीक है और दूसरा ये है बजट का सेकेंड यूज ऐसा है कि एक बार बजट बनाते हो ना दैट मीन्स यू आर सेटिंग टारगेट फॉर यू क्लियर एक बार टारगेट सेट कर दिया है और टारगेट फिर उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आता है ना देन यू हैव बेस टू कंपेयर ठीक है अगर अपने नंबर्स के साथ एग्जाम्पल ले तो समझना ध्यान से सपोज इन अ पर्टिकुलर ईयर योर प्रॉफिट इज फाइव करोड़ रुपीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो था फाइव करोड़ रुपीज ठीक है अब आपको ये जानना है कि फाइव करोड़ इज बेटर मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ क्लियर है तो आपके पास एक बेंच तो होना चाहिए ना कि भाई इतना से कंपेयर करो मान लो आपका बेंच ही नहीं है तो फाइव करोड़ को अच्छा बोले या खराब बोले ठीक है तो अगर उसके लिए बेंच है मान लो आपने बजट बनाया और बजट में ऐसा सोचा था कि फोर करोड़ प्रॉफिट होगा इस साल और फाइव करोड़ हुआ एक्चुअल में दैट मीन्स कि अपने अपने जो टारगेट था ना उससे ऊपर ऑपरेट कर रहे दैट इज़ गुड फॉर अस ठीक है कोई बोले सर इसमें बजट का क्या ज़रूरत है किसी को ऐसा थॉट आता है सर बजट का क्या जरूरत है हम तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट चेक करेंगे और उसके बाद इस साल का चेक करेंगे अगर अपने रिजल्ट ही कंपेयर करना है ना तो प्रीवियस ईयर चेक करेंगे इस साल का कंपेयर करेंगे क्योंकि बजट से मुझे क्या मिलेगा बेंचमार्क फॉर कंपेरिजन ठीक है तो बोले सर बेंच नहीं चाहिए मुझे ठीक है मैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कंपेयर करके बोल दूंगा कि इस साल बेटर परफॉर्म किया है कि नहीं किया है समझ में आ रहा है ना प्रीवियस ईयर मान लो पाँच चार तीन करोड़ कमाए थे और इस साल पाँच करोड़ कमा रहे हैं तो अपने ऐसा बोलेंगे कि अपनी कंपनी ग्रो कर रही है तो कभी कभी ये कैलकुलेशन सही है ठीक है बट हर सरकमटेंसेज में ये नहीं चलेगा सपोज प्रीवियस ईयर आप तीन प्रोडक्ट बनाते थे और तीन बेचते थे एंड करंट ईयर यू हैव एड वन मोर प्रोडक्ट इन योर प्रोडक्शन लाइन चार प्रोडक्ट बना रहे हो और चार बेचेंगे आप तो हाउ यू कैन कम्पेयर दैट थ्री प्रोडक्ट प्रॉफिट विथ फोर प्रोडक्ट प्रॉफिट ठीक है वो तो ऑब्वियसली नहीं कम्पेयर कर पाएंगे ना तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको बजट बनाना चाहिए टू गेट द फ्यूचर रोड मैप कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ठीक है ताकि आइडिया हो और हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो और दूसरा सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कि कंपेयर कर पाए ऐट दी एंड ऑफ द ईयर एट दी एंड ऑफ द ईयर कि हुआ क्या अपने साथ अल्टीमेटली अपने अच्छा परफॉर्म किया है कि बुरा परफॉर्म किया ठीक है तो ये मैंने ना इंट्रोडक्शन या मोटा मोटा हिसाब दे दिया बजट का क्लियर है अगर थोड़ा डिटेल में जाए अनलेस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर करिकुलम कि भाई सब ये सब आना चाहिए कि नहीं बट ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला डिस्कशन है तो कर लेते हैं अपने क्लियर है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें दो डिपार्टमेंट अलग से होते हैं एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और दूसरा बजट डिपार्टमेंट क्लियर है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर छोटे मतलब मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज है कोई तो उसमें ये दोनों डिपार्टमेंट मर्ज हो जाते हैं व्हाट आई मीन टू से कि एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ठीक है आप इस पर चैप्टर पढ़े हुए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर है और एक जो है एक होता है बजट डिपार्टमेंट ठीक है ये दोनों डिपार्टमेंट अपने लेवल पे ऑपरेट करते हैं बट कभी कभी ये दोनों मर्ज भी हो जाते और दोनों में एक ही डिपार्टमेंट हो जाता है ठीक है दैट इज कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी डिपार्टमेंट बट अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो है दोनों में आपको सेपरेट डिपार्टमेंट uh, मिलेगा इन दोनों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और बजटिंग का क्लियर है अब सुनना ध्यान से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है तो सपोज अपने थोड़ा सिंपल रखते चीजों को एक प्रोडक्ट बना रहे अपने प्रोडक्ट ए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगा उसमें मटेरियल लेबर ओवर सब कुछ ऐड हो जाएगा ठीक है तो उस हिसाब से मान लो ये फाइव फाइव एंड फिफ्टीन ये हुआ ट्वेंटी फाइव और उसने रखा है कि भाई हम लोग जो सेलिंग करेंगे ना प्राइस सेलिंग प्राइस भी स्टैंडर्ड मैंशन है दैट इज़ वाट थर्टी रुपीज़ तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ये डेटा उनके पास आएगा वो बोलेंगे पर यूनिट हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइव रुपीज का प्रॉफिट पर यूनिट होना चाहिए ये प्री रिक्विजेड है प्राइमरी वर्क है बिफोर प्रिपेयरिंग बजट बजट से पहले ये काम होता है क्लियर है फिर काम आता है बजटिंग डिपार्टमेंट का ये डाटा उठा के बजट ये ये जो कैलकुलेशन है ना आप सुनना ध्यान से वो हर एक साल के बिगेनिंग में होता है बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने वैसे तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये जो कॉस्ट है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है लेट्स एज्यूम दैट यू आर ऑपरेटिंग इन अ इंडस्ट्री वे क्रूड ऑयल इज योर रॉ मटेरियल यल मेजर रॉ मटेरियल आपका क्रूड ऑयल है तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल आपने फाइव रुपीज लगाए क्लियर है, है तो वो तो मान लो आपका क्रूड ऑयल ही है रॉ मटेरियल जिसको आप यूज करते हो तो वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो ऑफकोर्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो ये कभी कभी ईयरली प्रैक्टिस होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिटी निकालना कभी कभी क्वार्टरली होता है कभी कभी मंथली भी होता है ठीक है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन इंडस्ट्री की कौन से इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो मैं ना वो नहीं सिखा रहा हूँ कि कौन से पीरियडिक में ये स्टेटमेंट बनाते हैं क्लियर है मैं एक बार आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो अपना डेटा बना के प्रेजेंट रखेगा कि दैट इज माई कॉस्ट पर यूनिट एज पर माई कैलकुलेशन और वो निकालना इतना ईजी नहीं है ठीक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल दिया फाइव रुपीज़ तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है आप समझो ना कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइव रुपीज क्योंकि लेबर जो काम कर रहे हैं वो भी वैरायटी ऑफ लेबर्स होंगे तो सबका कॉस्ट सबका का इफिशियंसी सब अलग अलग सबका रेट अलग अलग सब कुछ हो सकता है ठीक है बट खैर इसीलिए तो अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं अपने कि चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो चलो उसको सेपरेट डिपार्टमेंट में टैकल करते हैं क्लियर है फिर उसके बाद बजट डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है वंस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वर्क इज कम्प्लीटेड दैट डेटा विल बी सिफ्टेड टू बजटिंग डिपार्टमेंट बजट डिपार्टमेंट क्या करने वाला है कि चलो आपने ये तो पर यूनिट डेटा बता दिया मुझे क्लियर है अब हम लोग एक प्रिपेयर करते हैं बजट फॉर नेक्स्ट ईयर ठीक है बजट जनरली ईयरली एक्टिविटी होता है बट हाँ अफकोर्स कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्वार्टरली बजट भी बनाते हैं एक बार क्लियर है हाँ बट इंटीग्रेटेड एक ईयरली बजट तो हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है दैट इज कन्फर्म क्लियर है तो वो बजट हाँ, डिपार्टमेंट तो तो क्या करते हैं कि चलो कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं उसको चेक करते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग वन लैक यूनिट पे ऑपरेट करने वाला है मीनस नेक्स्ट ईयर का जो डेटा है ना नेक्स्ट ईयर का जो सेल्स होने वाला है वो एक लाख यूनिट होने वाला है तो उसी सेंस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए फाइव लैख होना चाहिए मैं बोल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हो रहा है होना चाहिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी फाइव लैख होना चाहिए ओवर कितना होना चाहिए फिफ्टीन लैख ये सबको मिला के होना चाहिए ट्वेंटी फाइव और आपका सेल्स टोटल होना चाहिए थर्टी लैख और आपका प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो आना चाहिए कितना फाइव लैख like. ये हो गया बजट एक्चुअली हम लोग ये करने वाले हैं ठीक है थीके? ये पोर्शन अपना है ये जो पोर्शन है ना वो ये चैप्टर में कवर होगा क्लियर है बट मैं इसका आगे भी बता दू मान लो हमने ये बजट बनाया अपने लिए डेटा मतलब बेंच सेट कर लिया कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फाइव लैख रुपीज अब होता क्या है एक्चुअल डेटा तो एक्चुअल डेटा आया अपने पास क्लियर है आपने एक लाख की जगह एक लाख दस हज़ार यूनिट बेचे कंफर्टेबल है मान लो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था वो फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड आया कितना आया फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था वो फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड आया ये जो कॉस्ट था वो सेवनटीन लैख रुपीज़ आया क्लियर है फाइव लैख सिक्सटी और ये सेवनटीन लैख रुपीज़ आया सेल्स जो था आपका लेट्स एज्यूम वो आया आपका थर्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्लियर है तो आपका प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकल सकता है रिवर्स वर्किंग मतलब अपने सेल्स में से निकालना हो ध्यान देना एक बार खैर ये जो है ना कंपैरिजन वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही आएगा मैं सिर्फ हिंट दे के आगे बढ़ना चाह रहा हूं ठीक है एग्जैक्टली exactly कि भाई ये कैसे ऑपरेट होता है फाइव फिफ्टी प्लस फाइव सिक्सटी तो ये आया ट्वेंटी एट लैख टेन थाउजेंड ओके फिर उसमें से ये कॉस्ट आया अब सेल्स में से माइनस करें सेल्स इज थर्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से माइनस करें अगर अपने ट्वेंटी एट लैख टेन थाउजेंड तो ये आ रहा है फोर लैख फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट आ रहा है तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का वापस से काम स्टार्ट हो रहा है क्या स्टार्ट हो रहा है रिकनसाइल योर बजटेड प्रॉफिट योर बजटेड प्रॉफिट एंड योर एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट दिफरेंस एंड रीजन फॉर दैट ठीक है रीजन फॉर दैट जैसे कि ये पांच था ना ये पांच पचास क्यों हुआ तो वो ऊपर जाने के दो रीजन हो सकते हैं एक तो है कि भाई आपने पहले जो सोचा था कितना एक लाख पांच रुपए था ना कॉस्टिंग पर यूनिट तो एक लाख के पांच लाख सही है तो एक लाख दस हजार की थोड़ी पांच लाख होगी वो हो, तो ऑब्वियस है फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड होगा तो ये रीजन बढ़ ये जो कॉस्ट बढ़ा ना फाइव से फाइव फिफ्टी दैट इज बिकॉज ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज तो फिर दुख नहीं होना चाहिए हमको ये तो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ ऑब्वियसली बट अगर नेक्स्ट देखे ध्यान देना डायरेक्ट मट लेबर कितना था फाइव लैख एक लाख यूनिट पर पाँच लाख तो एक लाख दस हज़ार पे पाँच पचास होना चाहिए बट फाइव सिक्सटी हो गया तो वो दस हजार का प्रॉब्लम है हमको ठीक है दस हजार क्यों बढ़ा फाइव फिफ्टी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था तो ये सारा एक्टिविटी ये ये जो डेटा है ना ये डेटा ये होता है बजटेड डेटा एक और चीज़ जो अपने इससे समझना चाह रहे हैं बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेटा ठीक है जो स्टैंडर्ड डेटा होता है ना उस पर ही बजट प्रिपेयर होता है ये बात समझ लो आप कभी भी कोई बोले कि मेरा बजटेड कॉस्ट ट्वेंटी फाइव रुपीज पर यूनिट है इट इटमीन इनडायरेक्टली आपको यह मैसेज समझना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट ट्वेंटी फाइव रुपीज पर यूनिट है बिकॉज बजट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेटा मन का डेटा थोड़ी चलेगा एक्चुअल डेटा तो बाद में आता है ना आप जो बोलोगे वो बजट डेट में थोड़ी चलेगा और एक्चुअल डेटा तक तो कोई बात ही नहीं है बिकॉज वो तो एक साल बाद आने वाला है कंफर्टेबल है तो ये जो है ना बजट जो प्रिपेयर होता है हम लोग तो यहाँ पे अटकने वाले हैं इससे आगे का बात नहीं कर रहे बट मैं आपको लिंक बता रहा हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट ठीक है बजट का इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये है ना यहाँ पे आ गया पर यूनिट उसके बाद एक बजट प्रिपेयर होता है फिर वो बजटेड प्रॉफिट जो आया उसका और एक्चुअल प्रॉफिट का कंपेरिजन होता है एंड अगर वो मैच नहीं कर रहा आईडर साइटी के ज्यादा आया तो भी अपने रीजन ढूंढेंगे और कम आया तो भी रीजन ढूंढेंगे और रीजंस अगर आइडेंटिफाई हो जाए अगर वो प्रॉपर है प्रॉपर इन द सेंस कि ये पांच से पांच पचास हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इट इज परफेक्टली फाइन योर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज फाइव रुपीज पर यूनिट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग वन लैक यूनिट योर एस्टिमेटेड कॉस्ट इज फाइव लैख और वो एक लाख दस हजार पे पांच पचास होगा तो उसमें आपको ये रीजन मिल गया ना तो वो सेटिस्फेक्शन है बस कि ये तो सही है बट ये 560 जब था तो आपको ये पता चला 10000 जो एक्स्ट्रा गया है क्यों एक्स्ट्रा गया चलो ढूंढो किसने प्रॉपरली काम नहीं किया किसका एफिशिएंसी डाउन हो गया कुछ ना कुछ तो ये 10000 का रीजन होगा क्लियर है तो वो रीजन ढूंढो और वो रीजन को रेक्टिफाई करो अदरवाइज ये जो दस का है ना वो आप देखो ध्यान से ये ये लॉस तो हो गया आपका पाँच से पाँच आपने यूनिट ज्यादा बेचे फिर भी लॉस हो रहा है मतलब लॉस इन द सेंस

देन एक्चुअल डेटा आएगा देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वापिस से यर एंड में एक्टिव होता है रिकनसीलेशन के लिए कि लेट्स फाइंड आउट वो वेरियांसिस निकालते हैं ठीक आई होप आपने किया होगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता नहीं आया था नहीं बाकी अगर आपका तो एक बार आ, वो आपसे वीडियो शेयर शायद, शायद हो ही गए ठीक है नहीं हुए तो हो जाएंगे आ, वो आपका डिफरेंस निकाल के फिर वो रीजन फाइंड आउट करते कि भाई क्यों इतना डिफरेंस आया है क्लियर है रीजन कंट्रोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर प्रॉब्लम है उसमें ठीक है रीजन आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है या ये दस हजार जैसा है क्लियर है तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सी जगह पे अपने इफिशियंसी को लेक कर रहे फिर उसको रेक्टिफाई करो अगर नहीं कर पाए ना तो ओवर अ पीरियड वो आपको हर साल इतना इंपेक्ट देते रहेंगे दस का क्लियर है तो ये आइडेंटिफाई होगा तभी तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे क्लियर है तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ये सब कुछ करने से होगा ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट बजे कंट्रोल तभी तो इसका वर्ड है ना बजेटरी कंट्रोल है बजट बना के छोड़ना नहीं है उस पर कंट्रोल भी रखना है क्लियर है तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा था ये तीनों एक्टिविटी लिंक में है कंफर्टेबल है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देन देन वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द यूज तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई उसका यूज ये है कि अल्टीमेटली जो इफिशियंसी में प्रॉब्लम आ रहा है या वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का उसको आइडेंटिफाई करो उसके रीजंस को फिर वो रीजंस को धीरे धीरे हटाओ अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म में अगर रह गए तो फिर हर साल ये लॉस कंटिन्यू रहेगा क्लियर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल रखने के लिए क्लियर है एक और चीज़ जो आजकल बजट का यूज़ होता है ना मैं ऐसा बोलता हूँ कि जनरली वो बोनस डिसाइड करने में भी यूज़ होता है कि जैसे ऐसा हाल है कि कंपनी ने पांच लाख का टारगेट सेट किया था और एक्चुअली में फोर फोर्टी का ही प्रॉफिट आया है तो फिर बोनस जो देना है अपने एम्प्लॉय को उस पर उसका इम्पैक्ट आता ही है ठीक है मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं दर बोनस अमाउंट जो एम्प्लॉ को देना है दैट इज लिंक विथ बजट कि अगर अपने बजट से ऊपर ऑपरेट किया है ना मीन्स अपना प्रॉफिट बजट से ऊपर आएगा देन यू विल गेट एक्स्ट्रा बोनस ऑफ दैट परसेंटेज ठीक है या कभी कभी तो ऐसा ही कि बजट से ऊपर आए तो ही बोनस मिलेगा वरना टाटा बाय बाय क्लियर ऐसा भी बहुत सारी जगह पे है ही तो ये पहला इंट्रोडक्शन का कि बजट का रियल लाइफ जब आप चले जाओ ठीक है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में तो कौन से लेवल पे आपको बजट बनाना पड़ेगा तो इट इज लिंक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद बजट आएगा बजट के बाद वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाए ठीक है और मैंने पहले भी बोला कि ये चीज कभी कभी सेपरेट डिपार्टमेंट भी नहीं होता सेम डिपार्टमेंट में आप ऑपरेट करते हो एक ही डिपार्टमेंट क्लियर है तो यार ये थोड़ा आइडिया हो गया बजेटरी कंट्रोल का नेक्स्ट जो चीज है ना मुझे आपसे ये पूछना है टाइप्स ऑफ बजट आप कितने टाइप के बजट को जानते हो टाइप्स ऑफ बजट चलो बोलो आप एक बार आप सुनना ध्यान से आप इमेजिन करो ना आपको क्या क्या लगता है कि भई कौन से टाइप्स के आपके पास बजट हो सकते हैं है वैन यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और आपको क्या करना चाहिए जब वीडियो देख रहे हो आप तो आपको एक बार इसको यहाँ पे पॉज करके लिस्ट लिख देना चाहिए क्लियर है वहाँ पे कि मेरे को ये ये टाइप के बजट याद है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइप के बजट हो सकते हैं मैं आपको हेल्प कर देता हूँ एक होता है कैश बजट ठीक है ऐसे कितने बजट होते हैं आपको कितने नाम याद है क्लियर है वो आपको एक बार लिख देना चाहिए फिर मैं यहां से अब वन बाय वन बोलना स्टार्ट करता हूं फिर आपको आगे देखना चाहिए ठीक है तो एक तो मैंने बोल दिया एक होता है कैश बजट ठीक है उसके बाद एक होता है प्रोडक्शन बजट वैसे ना बहुत नाम आते हैं अपने जब लेक्चर्स फेस टू फेस होता है ना तो बहुत सारे नाम आते फिर उसके बाद सेल्स बजट फिर मटेरियल बजट भी मटेरियल का कैसे होगा या अभी प्रिसाइसली बात करें अपने तो मटेरियल परचेस बजट फिर प्रोडक्शन बजट आ गया सेल्स बजट आ गया फिर अपने डायरेक्ट वेजिस बजट वेजिस का कॉस्ट कैसे होगा वेजिस बजट जितने कॉस्ट है ना एक्चुअली उस सबका बजट बनता है ओवरहेड बजट कि ओवरहेड का कॉस्ट कितना है कैसे ऑपरेट होता है प्रिसाइसली बात करें तो हर एक कॉस्ट के साथ बजट बनेगा इवन पैकिंग मटेरियल बजट भी बनता है कि कितना पैकिंग मटेरियल आएगा कैसे यूज होगा ठीक है फिर ये परचेस बजट है ना दैट इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट वो परचेस किया कंज्यूम कैसे करेंगे ठीक है कौन से फ्लो में आप कंज्यूम करोगे कैसे करोगे तो ये मैं ना वही नाम लिख रहा हूं कि जो अपने चैप्टर में रिलेवेंट है बाकी इसका लिस्ट तो एक होता है फ्लेक्सिबल बजट ये भी वर्ड सुना होगा स्टेटिक बजट बोलो सर क्या होता है तो फ्लेक्सिबल बजट मीन्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बजट मतलब आप अपना बजट निकाल रहे हो फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी मान लो अपना कैपेसिटी वो वन लैख यूनिट का है तो आप अपना बजट बना रहे हो कि भाई एट्टी परसेंटेज पे अगर ऑपरेट करें तो टोटल तो कॉस्ट क्या होगा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा ठीक है टोटल सेल्स क्या होगा नाइनटी परसेंटेज पे भी चेक कर रहे हो सेवेंटी पे भी कर रहे हो हंड्रेड पे कर रहे हो वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी इट इज कॉल्ड फ्लेक्सीबल बजट क्लियर है स्टेटिक बजट मन सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब एक ही लेवल के लिए बनाए अपने एक ही लेवल के लिए मतलब मान लो सेवेंटी के लिए बना रहे

करके मतलब सबको एक साथ रखना मास्टर वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको क्लियर है तो इतने सारे बजट है बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट किया है वो लोग बनाएंगे बनाते ढंग से कि नहीं वो उनको पता बट वो लोग रिस्पॉन्सिबल है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन बजट ठीक है और कैश बजट कंटिजेंसी बजट होता है ऐसा भी क्लियर है मैं ऐसा बोला हूँ बजट का कोई लिस्ट ही नहीं है डेली एक्सपेंस बजट पैटी कैश बजट आप शाम हो जाएगी गिनते गिनते ठीक है इतने बजट हो जाएंगे बट ये जो लिस्ट लिखा है ना उतने बजट तो अपने बनाने वाले हैं हाँ ठीक है इतने एक स्टेटिक बजट का सम नहीं आता है बाकी इतने सारे बजट तो आपको बनाने पड़ेंगे तो मैंने वो लिख लिए सारे के सारे ठीक है एक्सेप्ट दैट कैश बजट कैश बजट इज ऑल टूगेदर सेपरेट स्टोरी दैट इज नॉट कवर इन योर बजटरी कंट्रोल चैप्टर ठीक है वो अलग से होता है तो मेरा ये कहना है कि चलो ये तो सब ठीक है इतने बजट बनाने चलो ना इतने और कुछ है नहीं अपने आगे डिस्कस नहीं कर रहे आप, आपने जो लिस्ट लिखा था ना देख लो आप इतना अगर कुछ है तो ये तो होना चाहिए देखो कैश बजट आपकी लिस्ट में होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये तो स्ट्राइक होना चाहिए प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट परचेस बजट फिर ये शायद आपको लगे सर कि ऐसा बजट नहीं बनता होगा बट है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट ये होना चाहिए फ्लेक्सिबल बजट भी शायद कहीं ना कहीं सुना हो तो आपकी लिस्ट में होना चाहिए इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे आपकी लिस्ट में बट मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं लिख रहे अपने जानबूझ के बिकॉज वो ये चैप्टर में अपने नहीं पढ़ने ठीक है अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करता हूँ कि चलो ये तो ठीक है मैंने लिस्ट ऑफ बजट लिख लिया व्हाट आई मीन टू से दैट इसमें सुनना ध्यान से कि सबसे पहले ये जो लिस्ट ऑफ बजट है यहां से ही देखना ठीक है और कोई आपको थॉट आ रहा है तो उसको एक बार साइड करो वैसे मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत सारे बजट्स हो सकते हैं बट हमारे लिए वो रिलेवेंट नहीं है ठीक है हम लोग को ये ये जो लाइन में लिखा हुआ है ना वो सारे देखना है तो माई क्वेश्चन इज टू यू दैट इतने सारे बजट में से सबसे पहला बजट किस कौन सा बनेगा मतलब ये जो लिस्ट लिखा है ना मान लो आप बजट डिपार्टमेंट के हेड हो ठीक है तो कौन सा बजट सबसे पहले बनाओगे उसके बाद दूसरे बजट के बारे में बात करेंगे वापस से कह रहा हूँ आपको मेरा डिस्कशन तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बट आपको अपने साइड से पॉज करके भी सोचना चाहिए ठीक है कि कौन सा बजट पहले बनेगा बिकॉज़ ये जो ना ब्रेन चलने वाला प्रोसेस है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है ब्रेन नहीं चलेगा मेरा तो मन है कि मैं फेस टू फेस में पढ़ाऊँ ठीक है वीडियो में नहीं पढ़ाऊँ बट अपने जो सरकम है उसमें अभी वीडियो है तो फिर उसका भी बेस्ट मैनर में अगर यूज़ करना है ना तो मैं जहाँ जहाँ बोलूँ ना कि आप सोचो और अपना जो आंसर है वो पेपर पे लिखो तो आपको वो करना चाहिए अदरवाइज़ फिर आपको ऐसा लगेगा कि है ना वो इतना इंटरेक्टिव नहीं हो रहा है ठीक है तो आप मैं जहाँ जहाँ बोलूँ आपको वहाँ पर पॉज करके वो जो चीज़ें हैं वो लिखनी चाहिए आंसर तो माई क्वेश्चन इज टू यू कि लिस्ट ऑफ बजट में सबसे पहला बजट आप कौन सा बनाओगे ठीक है तो आंसर उसका ये है किसी के आंसर ही आएंगे सर पहले कैश बनाएंगे पहले मास्टर बजट बनाएंगे पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे बट आंसर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर सेल्स बजट सेल्स पे ही तो सब डिपेंडेंट है हम बनाएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है अगर बिकेगा ही नहीं तो जितना बिकेगा उतना बनाएंगे ना कि जितना बनाएंगे उतना बेचेंगे ऐसा थोड़ी ना है कि अपने वो मोनोपोली बिजनेस में जितना बनाओ उतना बेच दो ऐसा तो है नहीं ठीक है तो पहला काम ही ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट सेल्स बजट सेल्स बजट बनाओ योर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस इज टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्स तो सबसे पहला काम है कि सेल्स को प्रोजेक्ट करो एस्टिमेट करो ठीक है तो अगर आप सेल्स को एस्टिमेट कर पा रहे हो तो उसके बाद का स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्लियर है तो ये जो फ्लो ऑफ प्रिपेयरिंग बजट है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाता हूं लिखने का कोई लोड नहीं लो मैं लिखवा दूंगा फिर बाद में फ्लो ऑफ प्रिपेरिंग बजट फ्लो ऑफ प्रिपेरिंग बजट सबसे पहले आप कौन सा बजट बनाओगे सेल्स बजट ये इंपॉर्टेंट है सेल्स बजट सबसे पहले एक बार सेल्स का क्वांटिटी डिसाइड हो जाए ना देट वी आर गोइंग टू सेल दैट मस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट ए बना रहे बी बना रहे उसके बाद प्रोडक्शन कितना करना है बिकॉज सेल्स और सेल्स पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कितना करेंगे तो प्रोडक्शन बजट मतलब ये क्या होगा कि मान लो मेरे को एक लाख यूनिट बेचने हैं ऐसा टारगेट आया है और ये सेल्स कौन डिसाइड करता है तो जनरली अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना नया प्रोडक्ट ठीक है तो मार्केट सर्वे कंडक्ट करवाना पड़ता है अबाउट योर प्रोडक्ट कि वे लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे कौन से रेट पे एक्सेप्ट करेंगे कितना क्वांटिटी का डिमांड मार्केट में हो सकता है और अगर आपका ऑलरेडी स्टैब्लिड प्रोडक्ट है पांच सात साल से चल रहा है देन बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट नेक्स्ट ईयर ठीक है नेक्स्ट ईयर में इतना सेल्स हो सकता है क्लियर है कुछ भी करो पहले प्रिडिक्ट क्या करना है सेल्स उस पर ही तो सब डिपेंडेंट है तो मैंने सोचा कि एक लाख यूनिट अपने नेक्स्ट ईयर में बेचने वाले हैं एंड वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर यस और हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी ठीक है मल्टीपल प्रोडक्ट का बात नहीं चल रहा है तो अगर ऐसा है सुनना ध्यान से तो सेल्स डिसाइड हो गया तो जितना सेल्स करना उतना थोड़ी प्रोड्यूस करेंगे यू हैव टू प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कि ओपनिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग कितना रखना चाह रहे हैं वो दोनों को एडजस्ट करेंगे मतलब मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक पांच हजार है ठीक है तो अगर आपने को क्लोजिंग स्टॉक रखना ही नहीं है एक बार मान लो ना रखना नहीं वैसे तो रखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक तो वन लैक यूनिट बेचने के लिए वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखना चाह रहे ओपनिंग स्टॉक पांच हजार है तो एक लाख में से पाँच हजार तो ऑलरेडी है तो वी विल प्रोड्यूस वॉट नाइन्टी फाइव थाउजेंड ओनली इसमें से हटा देंगे ना ये जो सेल्स थे है सेल्स आपका ध्यान देना सेल्स डेटा जो था वो था वन लाख यूनिट ठीक है मान लो अपने क्लोजिंग स्टॉक रखना नहीं चाहिए बट ओपनिंग स्टॉक तो पाँच हजार था तो वो हटा देंगे तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा बट आप ऐसा बोलो नहीं नहीं हम तो बारह हज़ार का क्लोजिंग स्टॉक रखना चाह रहे हैं तो फिर बारह हज़ार और ऐड करो ऐड करो माइनस नहीं ऐड करें क्योंकि वन लेख में से पाँच हज़ार हटा दो एज्यूमिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखना है तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड का प्रोडक्शन करेंगे एक लाख का सेल्स कर करना है तो पाँच हज़ार तो यूनिट पड़े ही है मेरे पास एक लाख को बेचने के लिए एक लाख यूनिट को मेरे पास और नाइन्टी फाइव थाउजेंड चाहिए क्लोजिंग में तो कुछ रखना नहीं चाह रहे तो अगर नाइन्टी फाइव करोगे तो क्लोजिंग में कुछ नहीं रहेगा बट अगर आपको रखना है कुछ तो वो ऐड हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड

और एनी अदर कॉस्ट दैट इज लिंक विथ योर प्रोडक्शन नॉट विथ योर सेल्स क्लियर है जो भी सेल्स एस एन डी ओवर हेड है ना एस एन डी रिलेटेड सेल्स रिलेटेड जो है वो आपके सेल्स से कनेक्टेड है दैट इज ओके कि आप जितना बेचोगे ना उतना सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसि होंगे बट ये पूरे के पूरे चैप्टर में सेल्स का बजट बहुत कम होगा सेल्स एस एन डी ओवरहेड का उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज लिंक विथ योर प्रोडक्शन और योर सेल्स द प्रोडक्शन कितना बनाएंगे ना उस पे इस साल कितना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा वो डिपेंडेंट है कंफर्टेबल है ना मतलब जो कंज्यूम होगा ना कंज्यूम रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा उसके अलावा ओवरहेड का कॉस्ट होगा दैट इज लिंक विथ योर प्रोडक्शन नॉट विथ सेल्स आपने मान लो आपका एक यूनिट है ना एक यूनिट फाइव रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है ठीक है पिछले साल मतलब इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था ना

मल्टीप्लाइए फाइव यू हैव टू चेक दैट कि भी बनाए कितने बिकॉज कंजम्पशन इज लिंक विथ प्रोडक्शन नॉट विथ सेल्स क्लियर है तो इसके बाद जैसे ही आपका प्रोडक्शन डिसाइड हो जाता है ना कि इतने यूनिट बनाने वाले इससे तीन विंग ओपन हो जाती है वैसे बहुत सारी विंग होती है बट अपने करिकुलम में जो या बजट जिसका प्रॉपरली बनता है वो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है और ओवरहेड कॉस्ट ये लिंक में है ठीक है अब इसके बाद अब है ना यहां पे ध्यान देना ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना वो रॉ मटेरियल का बात कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल क्लियर है अब सुनना ध्यान से यहां पे एक बार आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिसाइड हो ना उसके बाद मतलब आप देखो ध्यान से पहले सेल्स सेल्स डिसाइड करते हैं ठीक है थीके? सेल्स के बाद आप डिसाइड करते हो कितना प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि सेल्स पे ही तो प्रोडक्शन डिपेंडेंट है Opening, closing stock का adjustment, clear है। फिर प्रोडक्शन रॉ साल इतना कंज्यूम होगा अगर आपके पास रॉ कैन प्लान योर परचेस कितना परचेस कि करना पड़ेगा बिकॉज वहां पर भी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का क्लियर है वापिस से मैं पूरा इंटीग्रेटेड डेटा बता दूँ, ध्यान देना मान लो एक यूनिट के लिए आपको टू के जी रॉ मटेरियल लगता है टू के जी रॉ मटेरियल लगता है वन यूनिट बेचने के लिए कि वन यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बेचने के लिए नहीं जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना उतना टू के जी आपका मल्टीप्लाई बाय टू के जी उतना रॉ मटेरियल लगने वाला है एकदम बेसिक बात कर रहे हैं ठीक है कोई हाई फाई स्टॉप डिस्कस नहीं हो रहा है ओके okay, तो मैंने अपना सेल्स डिसाइड किया एक लाख यूनिट कितना यूनिट डिसाइड किया वन लाख उसके बेसिस पर मैंने फिनिश गुड्स का ओपनिंग ये जो एडजस्टमेंट किया है ना वो फिनिश गुड्स का है कि फाइनली प्रोडक्ट इतना स्टॉक में पड़ा है और हम लोग बारह हजार रखना चाह रहे हैं तो आपने डिसाइड किया वन लेख सेवन थाउजेंड यूनिट बनाने वाले हैं तो टू के जी अगर मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स कि आपको टू लैख फोर्टीन थाउजेंड के जी का कंजम्पशन हो जाएगा ना यहाँ पे अब इसके बेसिस पे आपको चेक करना है तो आपने चेक किया कि मुझे इस साल जो डेटा कंज्यूम होगा ना मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा टू लैख फोर्टीन थाउजेंड है ओपनिंग स्टॉक में फोर्टीन थाउजेंड के जी पड़ा ही है फोर्टीन थाउजेंड के जी तो माइनस कर देते हैं मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का कोई रखना ही नहीं है तो दो लाख के जी टू लैख के जी आपको क्या करना पड़ेगा परचेस अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ नहीं रखना है तो बट ऐसा होता नहीं है हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम तो थर्टी थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक में भी रखेंगे तो वो ऐड कर दो आपके परचेस में तो आपको टू लैख थर्टी थाउजेंड का क्या करना पड़ेगा परचेस क्लियर है तो इसके बाद सुनना ध्यान से इसके बाद आप एक बार रॉ मटेरियल कंजम्पशन का डेटा लेके आओ ना मेरे पास देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन प्रीपेर वॉट रॉ मटीरियल परचेज बजट बिकॉज रॉ मटीरियल में क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का होता है यहां से आगे नहीं होगा कुछ क्योंकि डायरेक्ट लेबर का कैसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रखे ठीक है लेबर को स्टॉक में रखा हुआ है ऐसा थोड़ी हो सकता है तो लेबर का कोई आगे बजट नहीं होता है जो कॉस्ट है वही आपको बैर करना होता है ठीक है उसमें कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता है मतलब ये भी क्या बोल रहे हैं कि लेबर का स्टॉक नहीं होता है ऑब्बियस नहीं होता है क्लियर है तो ये ये फ्लो समझाने का मतलब मतलब जो बैकग्राउंड था ना या जो रीजन था वो ये था कि आपको जो पूछा जाता है ना जनरली क्वेश्चन में वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेल्स फिर बोलते हैं प्रोडक्शन फिर बोलते हैं कंजम्पशन और फिर बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेस बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो पूछे ना कि प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेस बजट तो आप समझो ध्यान से स्टार्ट से होके आना पड़ेगा बीच में से थोड़ी ना रॉ मटेरियल परचेस वो बोले सेल्स इतना है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इतना रखना चाह रहे हैं रॉ मटेरियल कंजम्पन पर यूनिट इतना है रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इतना है प्रिपेयर परचेस बजट तो परचेस बजट मतलब सेल्स से स्टार्ट होगा क्लियर है और सुनना ध्यान से ये पूरे बजटिंग ये जो फ्लो प्रिपेयर किया ना अपने फ्लो ऑफ प्रिपेयरिंग बजट उसमें सबसे चैलेंजिंग चीज है सेल्स बजट सबसे चैलेंज तो वहां पे ना इट इज ऑल अबाउट प्रोडिक्शन वहां पे आपका एक्सपर्टाइज लगने वाला है बाकी सेल्स बता बता दो opening, बता दो ओपनिंग क्लोजिंग तो तो प्रोडक्शन कोई बच्चा भी निकाल देगा करना क्या है दो एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक को हटा को हटाओ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो प्रोडक्शन आ गया सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक हटाओ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो प्रोडक्शन आ गया इसमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो एज अ एक्सपर्ट जो ब्रेन लगने वाला है ना लोगों का वो लगता है सेल्स को प्रिडिक करने में बट वी आर लकी इन कि अपने सम में तो सेल्स दिया होगा आप थोड़ी ना पेन पेपर लेके मार्केट सर्वे करने निकल जाओगे चलो सेल्स ढूंढ के आते फिर सम करेंगे ऑफ कोर्स वो तो देना पड़ेगा तो एकाद सम छोड़ के यू विल फाइंड दैट कि उसमें सेल्स दिया है और जो सम में सेल्स नहीं दिया है वो सबसे चैलेंजिंग सम होने वाला है क्लियर है बिकॉज़ वहाँ पर आपका ब्रेन लगेगा सेल्स को प्रेडिक्ट करने में या सेल्स डेटा को निकालने में क्लियर है खैर हम लोग कोई सर्वे करने नहीं जा रहे वो डेटा आपको अलग तरीके से सेल्स का दिया होगा तो वैसा है यहां पे बाकी मोर लेस फाइंड दैट इज गिवन इन क्वेश्चन बट ये डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है you should understand the flow of preparing budget. तो आप सीधा नहीं आ पाओगे clear है फिर चलो इसको complete कर देते ये discussion को इसके साथ इसके साथ साइमल्टेनियसली एक बजट बनता रहता है ठीक है हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए कितना आपको कैश चाहिए ना वो साइमल्टेनियसली बनता रहता है इन सबको अगर अपने कंप्राइज कर देना मतलब इन सबको एक चीज में मिला दे तो उससे बन जाता है आपका मास्टर बजट इन सबको मिला के कि भाई सेल्स कितना होगा कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा लेबर कॉस्ट कितना होगा ओवर हेड कॉस्ट कितना होगा इन सबको मिला के एक बजट बनता है दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट क्लियर है मास्टर बजट विल प्रोवाइड यू अ बजटेड प्रॉफिट अमाउंट जैसे मैंने ये लिखा था ना अभी ऊपर ये जो था ना इसको बोला जाता है मास्टर बजट ठीक है पे बजटेड प्रॉफिट होता है दैट इज प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर कि अगले साल कितना प्रॉफिट आना चाहिए उसके लिए बेंच ben मार्क होता है ठीक है अल्टीमेट जो मैनेजमेंट के हाथ में कॉपी जाता है ना वो मास्टर बजट का ही जाता है ठीक है आप बजट एज अ बजटिंग डिपार्टमेंट यू विल प्रिपेयर रॉ मटेरियल कंजम्प्शन बजट ओवर हेड बजट प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट सब बना दो जो बनाना है बनाओ अल्टीमेटली जो आपके ऊपर मैनेजमेंट है ना उसके पास जाना चाहिए मास्टर बजट वो फिगर देखेगा फिर नेक्स्ट कंपेयर करेगा एंड देन विल इवेल्यूड दर्फॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सही ट्रैक में जा रहे की सही डायरेक्शन में जा रहे की नहीं क्लियर है ओके okay, तो दैट्स इट ये अपना इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हो गया ठीक है इनिशियल डिस्कशन अब आपको लिखना क्या है और है ना अपना थोड़ा ये जो विजल एक्सर्स में ये जो स्टाइल है वो ऐसा ही है कि भाई आप पॉज करके लिख लो ठीक है ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली टाइम डिवर्ट करें उसके लिए तो आप यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स सब ऑफ बजट क्लियर है मैं एक बार देख लेना आप लोग ये टाइप्स ऑफ बजट जो है वो आप एक बार लिख लो ठीक है इसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीचे होंगी अगर आपने एक दो चीज़ें ऐड करना चाहो अपने साइड से तो करना चाहिए ठीक है पॉज करके फिर ये फ्लो ऑफ प्रिपेयरिंग बजट और ये जो लाइन दो ड्रॉ किया है ना वो इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में ये लाइन ड्रॉ किया वो आपको हेल्प करेगा दैट इज़ माई गारंटीड ये फ्लो में आपको बजट बनाना है और व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट सेल्स बजट इज सेल्स डिटेल इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है क्लियर है जो सम में नहीं दिया है सेल्स वो सबसे डिफिकल्ट सम होने वाला है दैट इज गारंटीड तो आप ये कॉपी कर लो पहले ये कॉपी करना यहाँ पे पॉज करके एंड देन अब ये कॉपी करना क्लियर है ओके अगर आपका ये हो गया आपका कॉपी आई होप आपने पॉज करके कर लिया अपने साइड से तो स्टार्ट करने से पहले मतलब जो सम्स करने ना उससे पहले एक डिस्कशन है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ परचेज बेस्ड ऑन सेल्स सॉरी कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बेस्ड ऑन सेल्स ठीक है एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्प्शन रॉ मटेरियल परचेज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्प्शन खैर वो हमको आता ही है बट उसको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं ठीक है वो कोई बड़ा डिस्कशन है नहीं जो मैं अपने जो इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे ना उसमें भी वो आई गया एक बार तो बट चलो एक बार आप इसको वापस से रिकॉल कर दे अगर तो सेल्स मैं ये फिनिश गुड्स का बात कर रहा हूं क्योंकि बेचेंगे तो फिनिश गुड्स ना रॉ मटेरियल थोड़ी बेचने जाओगे उससे प्रोडक्शन कैसे निकलेगा ठीक है या प्रोडक्शन दिया वो सेल्स कैसे निकलेगा दोनों वर्स है तो बहुत क्लियर है मैं अगर नंबर्स का सपोर्ट लूँ तो मैं अभी जब डिस्कस कर रहा तभी ऐसा था ना कि वन लेख यूनिट आपने बोला है कि वी आर गोइंग टू सेल दैट ठीक है एक लाख like यूनिट बेचोगे तो उसके लिए कितना बनाना पड़ेगा उस पर उस दो चीजों पे डिपेंड करता है वो कि आपके पास ओपनिंग में कितना है और क्लोजिंग में कितना रखना चाह रहे हो तो फॉर्मूला देखना ध्यान से सेल्स प्लस जो क्लोजिंग में हम लोग रखना चाह रहे हैं मान लो वो बीस हजार यूनिट है तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो वन लाख प्लस बीस हज़ार क्या इतना बनाना पड़ेगा नहीं इसमें से एक क्रेडिट मिलेगा जो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है तो माइनस ओपनिंग स्टॉक मान लो वो पाँच हज़ार था तो आपको ये चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स इतने यूनिट बेचने के लिए एक लाख और बीस हज़ार को क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए आपको एक लाख पंद्रह हज़ार यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो अगर कोई फार्मूला बैठे मतलब लिखना हो सेल्स का या प्रोडक्शन का ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला है ना कि प्रोडक्शन कितना होगा तो प्रोडक्शन का ये फार्मूला है सेल्स जितने करने हैं दैट इज ऑल अबाउट फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक में जितने रखने चाह रहे हो माइनस ओपनिंग स्टॉक अब सुनना ध्यान से ये ना फार्मूला एक ही है बट लोग घुमा के इसके तीन फार्मूला बनाते हैं और वीक से चार बनाते हैं बोले सर प्रोडक्शन निकालना हो तो ध्यान दो आप मैं सेल्स को एज इट इज़ यहां छोड़ दूँ क्लियर है तो प्रोडक्शन आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं एक बार है ना सेल्स को अपने यहां पे एज इट इज राइट हैंड साइड आर एच एस छोड़ देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा तो प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक तो क्या ये मैंने नया फार्मूला सिखाया आपको सेल्स का बिल्कुल नहीं मैं तो आपको यही फार्मूला वैसे ये भी तो फार्मूला नहीं है बाकी अगर कोई फार्मूला के टोन में समझता है तो मैंने सिर्फ यही फार्मूला समझाया है यही भी फार्मूला नहीं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर है कोई बोले सर क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला कैसे होगा तो आप इसको यहां छोड़ दो बाकी सब चीजों को उस साइड घुमा दो तो क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे माइनस है तो इसको ओपनिंग स्टॉक को इस साइड शिफ्ट कर दो प्रोडक्शन को इस साइड शिफ्ट कर दो ओपनिंग स्टॉक का फार्मूला तो ऐसे फार्मूला नहीं है कोई भी क्लियर है आपको सिर्फ ये चीज पकड़ के रखना चाहिए कि यही फॉर्मूला है ये वाला पहला जो स्क्वायर में डाला हुआ है इसमें से यह है चार चीजें तीन दी होगी एक आप निकाल सकते हो दैट्स इट उससे आगे मैं लिख भी नहीं रहा हूं कि सेल्स का फॉर्मूला ये प्रोडक्शन का ये या ओपनिंग स्टॉक का ये क्लोजिंग स्टॉक का ये वो रिक्वायर्ड ही नहीं है क्लियर है तो एक ये चीज हो गया फार्मूला में अपने लिए और दूसरा इन अ सेम मैनर वी कैन यूज फॉर परचेज ऑल्सो ठीक है जो रॉ मटेरियल होता है ना तो हमने देखना ध्यान से रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमने डिसाइड किया है कि वो होगा आपका वन लैख के का अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन रुपीज में भी आ सकता है केजीस में भी यूनिट्स कुछ में भी ठीक है और अल्टीमेटली वो रुपी में भी निकाल सकता है कि जैसे ये 1 ,00 केजी अपना आ रहा है और बोले थ्री रुपी पर के है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज वन लैख के इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ के एंड अगर आपको रुपी में निकालना है तो वो थ्री लैख रुपीज हो गया ठीक है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है और इसके बेसिस पे आपको परचेस निकालना है कि कितना परचेस करें ठीक है तो बस यही है कि भाई मान लो कि एक लाख के है वन लाख के और आप क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल के टेन थाउजेंड रखना चाह रहे हो तो तो आपको एक लाख दस हज़ार परचेस करना पड़ेगा वन लाख टेन थाउजेंड के जी बट हाँ इसमें से जो ओपनिंग पड़ा है ऑलरेडी तो वो तो आपको क्रेडिट मिलेगा ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मान लो वो था सेवन थाउजेंड तो आपको फिर कितना परचेज करना पड़ेगा ओनली वन लैख थ्री थाउजेंड के जी कलियर है तो इस तरीके से ये भी लिंक है मतलब ये परचेज का फॉर्मूला अगर लगाए आपने तो परचेज अब ये रॉ मटेरियल का बात कर रहा है इज इक्वल टू कंजम्पशन कि आप कितना कंज्यूम करने वाले हो प्लस आपको क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखना है ये दोनों का ऐड कर दो ठीक है इसमें से ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी पड़ा है उसको हटा दो तो इतना आपको परचेस करना पड़ेगा ये अपने रॉ मटेरियल के लिए फार्मूला हो गया और ये किसके लिए था फिनिश गुड्स के लिए अब ये भी चार डेटा है तीन दिया होगा एक आप निकाल सकते हो ठीक है कंफर्टेबल है परचेस की जगह बोले कंजम्पशन निकालना है परचेस दिया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना है दिया हुआ है कैलकुलेट कंजम्पशन तो निकाल ही सकते हैं मैं उसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहा हूँ कि ये आपका कंजम्पशन का फॉर्मूला है नहीं क्लियर है तो आप ये दो चीज़ें लिख लेना

अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जो डिस्कशन था ना दैट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम ठीक है एग्जाम में तो मतलब पूरा का पूरा रिलेवेंट नहीं है डिस्कशन एग्जाम में आपके लिए सिर्फ ये काम का है ये जो फ्लो था ना ये और इसमें भी ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ना वो फ्लो आपको जानना पड़ेगा क्योंकि उसके बेसिस पे सब आएंगे बाकी सब चीज़ें इरेलीवेंट है बट वो सेटअप क्रिएट करने के लिए बजेटरी कंट्रोल में का माइंड लाने के लिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट था क्लियर है ये आपने मास्टर बजट भी लिखा है ना और ये मास्टर बजट एक बनाने वाला है आपने क्लियर है मास्टर बजट इज नथिंग दैट इज वी कैन से दैट दैट इज बजटेड कॉस्ट शीट पूरा कॉस्टेड बन जाएगा बट वो बजटेड होगा ठीक है और अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मास्टर बजट दैट इज बजटेड प्रॉफिट जो टॉप मैनेजमेंट है वो फिगर पे ही फोकस होता है विटामिन एम क्लियर है ये दोनों अगर आप लिखा हो तो ठीक है नहीं लिखा हो तो यहां पे पॉज करके लिख लो फिर अपने आगे बढ़ते क्लियर आई होप ये आप पॉज करके लिख लोगे अभी ओके अब अप अपने सम्स पे आ जाते हैं, चलो ध्यान देना ये आपके पास जो सीट है शायद ठीक है अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो तो वो सीट में ये जो आ, ये जो सीट में वो सारे होंगे बट इसमें ना थोड़े सम एक्स्ट्रा है ज्यादा सम है तो उसमें से कुछ आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे और कुछ जितने भी पॉसिबल सम्स हैं ना वो मैंने इस सीट में डाल दी है अभी टाइम बिंग क्लियर है तो क्या कुछ बाकी नहीं रह जाए और हां अगर ज्यादा सम है तो ऑब्वियस आपको थोड़े सम होमवर्क में अपने साइड से करने पड़ेंगे मैं बताता रहूंगा हर एक लेक्चर में फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका आंसर बताते रहेंगे ठीक है तो चलो फर्स्ट सम बहुत इजी इनिशियल सम्स बहुत इजी है ठीक है उससे आप चैप्टर को जज नहीं करना अब आपने तो वो अभी रेपो बनाना है ना बजेटरी कंट्रोल के साथ तो ऑब्वियस है कि बहुत इजी सम्स होने वाले हैं उससे हम लोग चैप्टर को थोड़ी जज करेंगे बोले इतना इजी जाएगा पूरा ऐसा नहीं होगा क्लियर है तो चलो सम नंबर वन देखना प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर थ्री मंथ एंडिंग ऑन थर्टी मार्च टू फॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग फोर प्रोडक्ट ए बी सी डी चार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे देखो नीचे टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वट वी हेव टू प्रीपेयर वी प्रीपेर प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन इज लिंक विद सेल्स सेल्स में दो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक का यू विट वॉट प्रोडक्शन बजट ध्यान देना क्या था एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन फर्स्ट जानवरी तो फर्स्ट जानवरी का स्टॉक कितना है ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का दिया हुआ है एस्टिमेटेड सेल्स ऑन जनवरी टू मार्च पूरे तीन महीने में जिसका बजट बनाना है तो वो कितना था आपका हर एक प्रोडक्ट का एस्टिमेशन दैट इज ऑल्सो गिवन क्लियर है फिर डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन ऑन थर्टी फर्स्ट थ्री मतलब जब ये पीरियड खत्म होगा तो पीरियड तो थर्टी फर्स्ट थ्री थर्टीन को खत्म हो रहा है मैंने बोला था ना क्वार्टरली क्वार्टरली भी बजट बनता है ईयरली भी बनता है मंथली भी बनता है बट मोरल लेस एक बार ईयरली तो सबको बनाना पड़ता है क्वार्टरली मंथली बनाना नहीं बनाना दैट इज डिपेंड ऑन लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर ऑपरेटिंग ठीक है बहुत हाई बड़ी भी कंपनी है तो शायद वो मंथली भी बनाए और क्वार्टरली भी बनाए ठीक है बट इयरली सबको बनाना होता है क्लियर वैसे सम बहुत इजी है बट मैंने एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट सम सुनना ध्यान से आप लोग जनवरी से लेके मार्च का बजट बना रहे हो जनवरी से लेके मार्च का बजट क्लियर है तो ये बजट बनेगा कब तो पहला थॉट आता है सर जनवरी से पहले बन जाएगा ऑफ कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो जानिव, उस जनुवरी से मार्च का बजट बनाना तो जानवरी फर्स्ट जनवरी से पहले बना देंगे ना तो अगर आपका ये थॉट आ रहा है तो वैसे करेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बट ऐसा कंपल्सन नहीं होता है कि यर स्टार्ट होने से पहले बना ही दो इट मेड बी पॉसिबल यू आर प्रिपेयरिंग बजट फॉर जानवरी टू मार्च इन द मंथ ऑफ जनुरी फिफ्थ जानवरी को भी बजट बन रहा है क्लियर जानवरी में आ गए तो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि पहले ही बना देते हैं हाँ ईयर स्टार्ट हो जाता है बट बजट फिर बनता रहता है कंफर्टेबल है ना ऐसा ऐसा पकड़ के मत बैठ जाना क्लियर है हम पहले भी बना सकते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बना सकते मोरलेस कंपनी बना ही देती है पहले बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आप फर्स्ट जनवरी से लेकर थर्टी मार्च का बजट बना रहे हो और फिफ्थ जनवरी तक बजट का एक्टिविटी चल ही रहा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्लियर है मैंने ये डिस्कशन क्यों किया तो एक चीज़ समझाने के लिए सुनना ध्यान से वैन यू आर प्रिपेयरिंग बजट फॉर जनवरी टू मार्च जनवरी टू मार्च का बजट बना रहे वो क्वार्टर का तो अगर उससे पहले बना दिया ना उससे भी पहले मतलब आपने 22 दिसंबर को ही बजट बना दिया जनवरी टू मार्च को तो सुनना ध्यान से आपका प्रोडक्शन का डेटा क्या होगा प्रोडक्शन का जो कैलकुलेशन है तो आप बोलोगे ना सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ठीक है ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला है अभी अभी आपने डिस्कस करके आए किसके लिए बना रहे हैं तो जानवरी टू मार्च के लिए तो सेल्स कितने टाइम का पूरे साल का थोड़ी टू मार्च का सेल्स ना कि बोले महीने में क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक तो ये पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक मतलब मार्च का क्लोजिंग स्टॉक उस दिन का ओपनिंग स्टॉक मतलब फर्स्ट जनवरी का क्या होगा वो बताओ अफकोर्स ये तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा क्लियर फर्स्ट जनवरी का तो अगर ये फर्स्ट जनवरी का है तो सुनना ध्यान से आप लोग तो अगर आप ये फर्स्ट जानुरी के बाद बजट का फाइनलाइजेशन कर रहे हो ठीक है तो उस टाइम आप ये ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखोगे कि स्टॉक ऑफ फर्स्ट जानवरी बजट ऑन फिफ्थ जनवरी फिफ्थ जनवरी को उसको फाइनलाइज कर रहे हैं ठीक है बनाना पहले स्टार्ट किया था बट मान लो टाइम होते होते फिफ्थ जनवरी आ गया तो जो फाइनल बजट लिख रहे हैं ना उसमें एक्चुअल डेटा लिख लोगे बट सपोज थर्टी फर्स्ट मार्च को क्या होगा ना स्टॉक वो तो एस्टिमेट होगा या अपना डिजायर होगा कि हम लोग इतना रखना चाह रहे हैं बट फर्स्ट जनवरी को जो ओपनिंग स्टॉक का डेटा होगा ना दैट इज़ डिपेंड कि आप कब बजट बना रहे हो ठीक है फर्स्ट जनवरी से पहले बना दिया आपने या फर्स्ट जनवरी के बाद बनाया पाँच जनवरी को देन यू कैन पुट एक्चुअल डेटा ऑफ दैट फर्स्ट जनवरी बिकॉज उस दिन तो पता चल गया ना कि इतना बजट इतना स्टॉक पड़ा था फर्स्ट जनवरी को बट अगर उससे भी पहले बना दिया जैसे इस केस में पहले बना दिया है इस केस में पहले बना दिया तभी तो लिखा है estimated stock on january 1 ठीक है estimated लिखा बिकॉज़ 22 दिसंबर को अगर बजट बना दिया जनवरी टू मार्च का तो ऑफ कोर्स आपको वर्ड क्या यूज करना चाहिए दैट इज estimated स्टॉक क्लियर है खैर वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में अपने तो कर ही देंगे इसको अगर सिंपली अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ध्यान देना आ, वो फॉर्मेट ही बनाना है अपने को तो चलो देखना आप लोग लेक्चर नंबर वन में फर्स्ट सम नंबर वन प्रोडक्शन बजेट तो पर्टिकुलर कितने प्रोडक्ट थे चार ना ए बी सी एंड देन डी तो प्रोडक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्लियर इस तरीके से ही होता है अपने पास खैर सब कुछ ही है रहा सेल्स ए का हाँ देख लो ए का हाँ सेल्स दस हज़ार डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इज थ्री थाउजेंड एंड ओपनिंग कितना है टू थाउजेंड तो अगर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो ये टेन थाउजेंड थ्री थाउजेंड एंड क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक था टू थाउजेंड तो प्रोडक्शन जो करना है आपको प्रोडक्शन वो हो जाएगा इलेवन क्लियर है फिर यहाँ पे बी का चेक करें तो 15, फिफ्टीन थाउजेंड इज़ योर सेल्स सेल्स प्लस क्लोजिंग कितना रखना चाह रहे पाँच पच्चीस पंद्रह प्लस पाँच बीस बीस में से ओपनिंग में तीन पड़ा है तो वो माइनस हो जाएगा तो फिफ्टीन थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड क्लियर है ये आपका हो जाएगा सेवनटीन थाउजेंड तो आप इसको कंप्लीट करो ना टाइम पास जैसा ही है ये तो सी एंड डी को कंप्लीट करना ये सीट अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो ये रहा क्वेश्चन क्लियर है आप पहले इसको पॉज करके ये कॉपी कर लो फिर आपके पास ये रहा सीट ठीक है बाकी सी और डी का कंप्लीट करो अपने साइड से कंफर्टेबल है ना मैं वापस से वो रखा देता हूँ ये आप इसको कॉपी करना है और सीट का पीडीएफ फाइल तो अपने पास आपके पास आ ही जाएगा क्लियर है ये क्वेश्चन है अगर किसी को बस वो था ना मल्टीपल डिवाइस नहीं हो तो पीडीएफ और ये लेक्चर को कैसे एक साथ एक्सेस करेंगे तो ये रहा आपके पास ठीक है क्वेश्चन भी पॉज करके करना ठीक है इसको चलो आंसर चेक करना इसके आई होप कर ही लिया होगा कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसमें ठीक है बहुत ईजी है का अगर चेक करें अपने तो सी का जो सेल्स था वो थर्टीन थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक इज थ्री थाउजेंड एंड ओपनिंग स्टॉक फोर थाउजेंड था थर्टीन प्लस थ्री माइनस फोर ठीक है ट्वेल्व थाउजेंड आंसर आ जाएगा थर्टीन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक दैट वी वांट टू मेंटेन माइनस फोर तो बारह हजार प्रोड्यूस करने पड़ेंगे सेम मैनर में डी का चेक करें तो डी का था ट्वेल्व प्लस टू मेन्टेन करने तो ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन और तीन हजार थ्री थाउजेंड ओपनिंग में है ही तो यहाँ पे 12,000 थाउजेंड प्लस टू माइनस अगेन आंसर इज 11,000 ठीक है 12 प्लस टू फोर्टीन माइनस थ्री दैट इज 11,000 थाउजेंड देट इज़ नंबर ऑफ यूनिट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस टू मैच अप ऑल दैट डिमांड ठीक है सेल्स का जो है वो और उतना अगर क्लोजिंग स्टॉक रखना है तो इतने यूनिट्स अकॉर्डिंगली हर एक प्रोडक्ट के लिए बनाने पड़ेंगे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बट ये एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने ऐसा कोई सम क्लियर है चलो यहां पे पॉज करके इसको बाकी हो अगर वैसे तो कर ही देना चाहिए आपको बट अगर किसी का बाई चांस रह गया तो यू शुड कॉपी थिंग ठीक है देखना उसके बाद नेक्स्ट सम, पॉज करके कर लो अपने टू रीड करना चलो बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट आर एस फॉलो बजटेड कॉस्ट भी दिया हुआ है प्रोडक्शन प्रोडक्शन डेटा भी दिया हुआ है और उसके रिलेटेड कॉस्ट का भी डेटा दिया हुआ है क्लियर है मीन्स प्रोडक्शन यूनिट थे आपके प्रोडक्ट एक्स के टू ट्वेंटी वाई के टू फोर्टी और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव नाइनटीन इसमें फोर पॉइंट फाइव एंड सेवन फिर उसके अलावा था आपका द टोटल फैक्ट्री ओवर एड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रैकेट में लिखा वेरिएबल अगर ये वेरिएबल है तो सुनना ध्यान से यू कैन कैलकुलेट पर यूनिट That इज सिक्स सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी इसको सिक्स सिक्सटी से डिवाइड करें टू ट्वेंटी से तो ये थ्री रुपीज़ आ जाएगा मतलब अगर प्रोडक्ट एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव मटीरियल है फोर पॉइंट फाइव वेजिस है एंड थ्री रुपीज योर फैक्ट्री ओवर एड एंडट इज एब्सोलूट वेरिएबल ठीक है जितने यूनिट होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे अगर ये फिक्स होता तो फिर सिक्स सिक्सटी कॉन्सेंट होता ना फिर उसके साथ कितने यूनिट बनाएंगे वो मैटर नहीं करता है बट सिंस इट इज़ वेरिएबल तो थ्री रुपी पर यूनिट वो चीज़ मैटर करती है सिक्स सिक्सटी टोटल में वो मैटर नहीं करता है बिकॉज नेक्स्ट ईयर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस फाइव लैख यूनिट दैन वेरिएबल ओवर हेड या वी कैन से फैक्ट्री ओवर हेड इज़ फाइव लैक मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट इज वॉट फिफ्टीन लैक ले जनरली ओवर हेड जो होता है ना वो फिक्स नेचर का होता है बट जब बोली दे रहा है वेरिएबल तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें यहाँ पे 960, 960 डिवाइडेड बाय 240 ना डिवाइडेड बाय 240 तो ये कितना आ जाएगा फोर रुपी दैट इज ऑल्सो वेरिएबल तो इफ़ यू लुक एट दी प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट वाई में नाइनटीन प्लस सेवन प्लस फोर इस तरीके से उसका कॉस्ट सेट है क्लियर है अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई वो तो दिख रहा है इसमें क्या बोलने की जरूरत है दो प्रोडक्ट बना रहे ए के लिए थ्री रुपीज है इसके लिए फोर रुपी है ओके कंपनी इज मैनुफेक्चरिंग टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई अ फोकास्टेड अबाउट द नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन फर्स्ट सेवन मंथ इज गिवन बिलो पहले सात महीने में जो प्रोड्यूस करेंगे ना वो मतलब जितने यूनिट सेल होंगे ना वो डेटा दिया है अब ध्यान देना ईयर कब खत्म होता है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ये जो डेटा है ना वो प्रीवियस ईयर का इट इज़ ऑलरेडी हैपन ठीक है हो चुका है कि हमने एक्स के दो लाख बीस हजार यूनिट बनाएंगे बनाए थे द ईयर ठीक है पूरे साल में टू फोर्टी बनाएंगे बनाए थे प्रोडक्ट वाई के ये प्रीवियस ईयर डेटा है अब नेक्स्ट ईयर में क्या सेल्स होगा ना वो इस तरीके से दिया हुआ जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई एंड सिंस अपना ईयर दिसंबर में खत्म होता है तो जनवरी से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा पूछा क्या है इट इज एंटिसिपेटेड दैट देर विल बी नो डब्ल्यू आई पी एट दी एंड ऑफ दी मंथ ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है ठीक है खैर हमारे सम्स में या हमारे पूरे चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं बट डब्ल्यू आई पी अगर हो ना बिकॉज इसने क्या लिखा है देर विल बी नो डब्ल्यू आई पी एट दी एंड ऑफ द मंथ अगर डब्ल्यू आई पी है तो फिर क्लमसी हो जाता है कैलकुलेशन बहुत ठीक है तो नहीं है वो बेटर है अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एट दिस लेवल कि सर डब्ल्यू हो तो क्या है मैं आपको फिर लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर में बताऊंगा ठीक है अगर डब्ल्यू है तो फिर आपको कितना ध्यान से सम करना पड़ेगा क्लियर है आगे देखना फिनिश यूनिट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी स्टॉक विल बी इन स्टॉक एट दी एंड ऑफ द ईच मंथ इंक्लूडिंग डिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर एक बार वापिस से यह लाइन पढ़ो और ट्राई करो क्या कहना चाह रहे हैं मैं साथ में पढ़ रहा हूं देखना फिनिश यूनिट इक्वल टू दाफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ दंथ इंक्लूडिंग दिसंबर डिसंबर में भी ये था वॉट इट मीन इसका मतलब क्या हो रहा है बोलो क्या समझ रहे हैं अपने इससे वही ना कि भाई आ, मैंने आपको टाइम इसलिए दिया बिकॉज आप आ, सोच पाओ उसमें नेक्स्ट मंथ का जो सेल्स होने वाला है वो जो क्वांटिटी है उसका 50 परसेंटेज हम लोग प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग स्टॉक में से पड़े द फिनिश गुड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ मतलब सपोज सपोजरी है ठीक है विल बी इन अ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच मंथ इंक्लूडिंग डिसंबर तो डिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें जानुआरी का जो सेल्स है उसका फिफ्टी परसेंटेज रहेगा इसको एक और लैंग्वेज में बोले कि जानुआरी का जो सेल्स होने वाला मान लो पचास टेन थाउजेंड यूनिट तो उसका फिफ्टी परसेंटेज हम लोग डिसम्बर के क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे डिसम्बर के ओपनिंग स्टॉक में नहीं रखेंगे अफकोर्स डिसंबर का ओपनिंग स्टॉक क्या करना है अपने को क्लियर है वो तो हम लोग जानवरी का जो सेल्स करने वाले हैं ना उस वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसका फिफ्टी परसेंटेज डिसंबर में रखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में क्लियर है बिकॉज दिसंबर दिसंबर का जो सेल्स होगा उसके रिलेटेड अमाउंट तो मैं December के के ओपनिंग स्टॉक में रख ना मतलब जनवरी में सेल्स करना है तो जनवरी में थोड़ी बनाएंगे थोड़ा तो पीछे रखना पड़ेगा ना दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक में तो ये लैंग स्टेटमेंट दो तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है एक तो जो जनवरी का सेल्स है उसका 50 परसेंट डिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है और दूसरा जो जनवरी का सेल्स है उसका फिफ्टी परसेंटेज जानुआरी का ओपनिंग स्टॉक है क्या गलत बोला मैंने सही तो बोला दिसंबर का जितना होगा क्लोजिंग स्टॉक वही तो जानवरी का ओपनिंग स्टॉक होने वाला है बहुत ही सिंपल है ठीक है अगर जानवरी में जो यूनिटी बेच, यूनिट्स बेचने वाले उसको बनाएंगे थोड़ी जानवरी में बोले कस्टमर को या आए, बोले रुक मैं बना के देता हूँ ऐसा थोड़ी चलेगा आपके पास सर्टन स्टॉक होना चाहिए तो हम लोग जो मंथ में सेल्स करते हैं ना उसके स्टार्टिंग में बिगेनिंग में हम लोग उसका फिफ्टी परसेंटेज स्टॉक मेंटेन करते हैं मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट मंथ इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंटेज प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ दैट मंथ ठीक है ये लैंग्वेज भी सही है कंफर्टेबल है ना या ऐसा भी बोलो कि पिछले महीने के क्लोजिंग स्टॉक में फिफ्टी परसेंटेज रख देते हैं जो नेक्स्ट मंथ में सेल्स करना है तो जानुरी का स्टॉक अगर है वो डिपेंडेंट किस पे रहेगा फेब्रुवरी के सेल्स पे फेब्रुवरी का क्लोजिंग स्टॉक डिपेंड रहेगा मार्च के सेल्स पे मार्च का क्लोजिंग स्टॉक किस पे अप्रैल पे ये साइकिल चलता रहेगा क्लियर है।, है अब पूछ क्या रहा है हमसे देखना आगे ध्यान से प्रिपेयर लाइन ये लाइन प्रिपेयर सिक्स प्रिपेयर फॉर सिक्स मंथ एंडिंग थर्टी जून प्रोडक्शन बजट एंड समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट कि प्रोडक्शन बजट भी बनाओ यूनिट्स में और उसके कनेक्टेड कॉस्ट कितना लगेगा वो भी बनाओ और हम बना सकते हैं बिकॉज कॉस्ट तो ऊपर दिया है ना ये दोनों तो पहला काम है चलो क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करेंगे वो जानो क्लियर है तो अब ना इसमें डेटा भले उसने मंथली 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 दिया है बट मैं मंथली 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 प्रिपेयर नहीं करूंगा मैं तो छः महीने का बनाऊँगा ना तो छः महीने का अगर प्रोडक्शन बनाना है तो मुझे चाहिए सेल्स सेल्स चाहिए और क्या चाहिए क्लोजिंग स्टॉक और चाहिए ओपनिंग स्टॉक यही तो चाहिए तीन चीजें चाहिए अपने दो प्रोडक्ट का बना रहे एक्स एंड वाई का तो ये सेल्स जो है ना वो ध्यान देना जानुआरी टू अपने किसके लिए बजट बना रहे हैं जानुआई टू जून ना तो मुझे ये जानवरी टू जून के लिए सेल्स चाहिए दोनों प्रोडक्ट का एक्स एंड वाई का जुलाई का सेल्स कोई रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए सेल्स में ठीक है बट हाँ वो यूज होगा देखना ध्यान से फिर क्लोजिंग स्टॉक चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है थर्टीएथ जून का डेटा चाहिए थर्टियत जून का स्टॉक कितना है वो चाहिए वही तो जानवारी से जून का क्लोजिंग स्टॉक हुआ

इन सब का टोटल कर दूंगा ना जनवरी से जून का सेल्स ये रहा फिर थर्टी जून का क्लोजिंग स्टॉक मतलब थर्टी जून का स्टॉक अब जून का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो जुलाई के सेल्स पे डिपेंड करता है ना तभी तो उसने जुलाई का सेल्स दिया है तो अगर अपने जून का स्टॉक रखे तो एक्स और वाई का ध्यान देना एक्स का जून का मैं स्टॉक रखना चाह रहा हूँ जून का थर्टी जून का मतलब जून का क्लोजिंग स्टॉक तो एक्स का कितना होगा इसका फिफ्टी परसेंटेज टेन थाउजेंड मतलब जुलाई में जो सेल्स होने वाला है उसका 50. और वाई का इसका 50, कितना सेल्सेंड आई होप ये बहुत ही क्लियर हो रहा है और क्या चाहिए फर्स्ट जानवरी का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस मंथ तो जानुरी का ओपनिंग स्टॉक जानवरी का ओपनिंग स्टॉक मतलब का क्लोजिंग स्टॉक तो डिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा ये जो सेल्स होने वाला ना उसका फिफ्टी मतलब पांच हजार और ये जो सेल्स होने वाला उसका फिफ्टीन कितना फोर्टीन और इसको आप फर्स्ट जनवरी का स्टॉक भी बोल ही सकते हो फर्स्ट जनवरी का बिकॉज दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो ओपनिंग स्टॉक होगा जानुरी का तो सब कुछ तो है अवेलेबल वी कैन ईजिली प्रिपेयर वॉट प्रोडक्शन बजट फॉर एक्स एंड वाई ठीक है फॉर सिक्स मंथ तो चलो कंप्लीट कर देते हैं सम नंबर टू प्रोडक्शन बजेट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई जनवरी टू जून ये इंपॉर्टेंट है ठीक है सिक्स मंथ का ही है वो पर्टिकुलर एक्स वाई तो सेल्स अपने यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जनवरी टू जून फिर क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है अपना थर्टीएथ जून का स्टॉक फिर माइनस ओपनिंग स्टॉक उससे क्या मतलब है फर्स्ट जनवरी का स्टॉक क्लियर है डेट तो अपने रेफरेंस के लिए लिख रही है बाकी उसके कोई मार्क्स नहीं है ना नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स काटेगा नहीं चलो ध्यान देना तो इस सब का टोटल करें अपने तो टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू प्लस सिक्सटीन थर्टी एट प्लस ट्वेंटी फिफ्टी एट फिफ्टी एट प्लस ट्वेंटी फोर एटी टू एटी टू प्लस ट्वेंटी फोर क्लियर है दैट इज़ नाइन्टी सिक्स एक बार कर लेते चलो अपने मतलब कोई स्कोप नहीं रह जाए कैलकुलेटिव एरर का ध्यान देना आप लोग टेन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड हंड्रेड एंड वन जीरो सिक्स नाइन्टी सिक्स नहीं हंड्रेड वन लैख सिक्स थाउजेंड क्लियर है तो यहाँ पे आ गया आपका वन लैख सिक्स थाउजेंड एक्चुअली ना ये यूनिट में है कि के में है यूनिट्स में है ठीक है ये यूनिट्स में है तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना यूनिट्स थर्टी जून का क्लोजिंग स्टॉक तो हमको पता चल गया था डिस्कशन में ही कि ये होने वाला टेन थाउजेंड मतलब जुलाई का जो सेल्स है उसका फिफ्टी परसेंटेज तो लिख देते हैं यहाँ पे टेन थाउजेंड और ओपनिंग स्टॉक जो है वो होने वाला था फाइव थाउजेंड अपने एक्स में अभी तो ये फाइव थाउजेंड तो यहाँ से माइनस फाइव थाउजेंड तो ये प्रोडक्शन आ जाएगा वन लेख सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन सिक्सटीन में से फाइव थाउजेंड माइनस करें वन लैख एलेवन थाउजेंड यूनिट्स सेम इज एप्लीकेबल फॉर वाई वाई का अगर सेल्स टोटल करें अपने तो ध्यान देन देना चलो ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट दो महीने का प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन वन थर्टी टू क्लियर है वन लैख थर्टी टू थाउजेंड वन लैख थर्टी टू प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना था इसका एटीन थाउजेंड जो सेल्स होने वाला जुलाई में उसका फिफ्टी परसेंटेज जून में स्टॉक रखेंगे नाइन थाउजेंड तो प्लस नाइन थाउजेंड और ओपनिंग स्टॉक तो ये जो होने वाला था इसका मतलब जानवरी का जो है उसका फिफ्टी डिसंबर का जो क्लोजिंग होगा वो जानवरी का ओपनिंग होगा तो ट्वेंटी एट का फिफ्टी परसेंटेज फोर्टीन थाउजेंड इसको सॉल्व करें अगर तो वन लैख थर्टी टू प्लस नाइन माइनस फोर्टीन ये आ रहा है वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कंफर्टेबल है ओके okay, ये हो गया आपका प्रोडक्शन बजट क्लियर है ये प्रोडक्शन बजट हो गया देन दूसरा क्या पूछा था उसने प्रिपेयर समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट मतलब कितना कॉस्ट होने वाला है तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट तो उसमें पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई अगर डायरेक्ट मटेरियल, कितने चीजें देखना ध्यान से उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीन चीजें अपने लिखनी है अब ध्यान देना यूनिट अपने यहाँ पे वन लैक इलेवन थाउजेंड है और y के जो यूनिट है वो रहे वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड क्लियर है अब इसके बेसिस पे सब चीजें है ध्यान देना चलो डायरेक्ट मटेरियल अपने लिखना स्टार्ट करें तो वन लैख इलेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना था पर यूनिट x के लिए तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये रहा देखो ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्लियर है तो वन लैख इलेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 12.5 तो ये आ जाएगा मतलब अभी भी है ना कुछ अपने हैवी डिस्कशन नहीं कर रहे बहुत ही सिंपल जा रहे हैं सम अभी भी कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा आपका थर्टीन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लियर है अब अपने डायरेक्ट वेजिस का देखिए डायरेक्ट वेजिस तो डायरेक्ट वेजिस जो था एक तो वन लैख इलेवन थाउजेंड है उसका जो कॉस्ट था दैट इज तो पर यूनिट फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव क्लियर है तो वन लैख 11,000 थाउजेंड मल्टीप्लैब 4.5 फोर पॉइंट फाइव वो आया फोर लैख नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर ओवरहेड ओवरहेड ओवर हेड थ्री रुपीज पर यूनिट था तो वन लैख एलेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री था ना देखो ध्यान से हम लोग कैलकुलेट सिक्स सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी थ्री रुपीज एंड इट इज़ वेरिएबल एप्सुलूट वेरिएबल तो जब वेरिएबल है तो आप समझो ध्यान से जब वेरिएबल है ना ये तो आप सीधा सीधा इसे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि जितना यूनिट बना रहे मल्टीप्लाई बाय थ्री नहीं होता तो मेरे को पूरा पूरा वो लगाना पड़ता ठीक है तो ये जो आंसर आएगा वो होगा थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड टोटल कर दो बात खत्म हो गया है ट्वेंटी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज क्लियर है ट्वेंटी टू like 20,000 ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आपको क्या करना है वाई का एक तो ना आप चलो ध्यान से यहाँ पे इसको पॉज करो और ये कॉपी कर लो दैट इज़ प्रोडक्शन बजट क्लियर है उसके बाद अब आई होप आप समझ रहे हो पॉज करके यहाँ पे कॉपी करना है देन सेकंड आपको यहाँ पे 127 के लिए प्रिपेयर करना है 127 के लिए पूरा वो जो कॉलम है ना मतलब मटेरियल लेबर कितना होगा वो आपके पास है इन्फॉर्मेशन ये रहा देख लो ध्यान से नाइनटीन सेवन एंड फोर मल्टीप्लाई करके रख लो ठीक है फिर टोटल करो चलो कंप्लीट करो आप ये रहा ये आपको आंसर जो है वो फिल करना है और ये क्वेश्चन है क्लियर है चलो देखना इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको मतलब तो क्या आंसर आएगा तो वन बाय वन अगर इसको कंप्लीट करे तो पहले रॉ मटेरियल चेक करें तो रॉ मटेरियल जो होगा वो वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मल्टीपलेवन नाइनटीन ना ओके okay, ये हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी रिबेजीज जो है वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय वॉट सेवन उसका कॉस्ट कितना था सेवन क्लियर है तो मल्टीप्लाई बाय सेवन और ये हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय इसका फोर रुपीज़ लाए थे अपने ठीक है नाइन सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू फोर्टी किया हुआ था मल्टीप्लाई बाय फोर तो चलो आंसर लिखना स्टार्ट करें अगर अपने 127, one twenty-seven, one lakh twenty-seven thousand, multiply by nineteen, twenty-four like thirteen thousand. second one like twenty-seven thousand, multiply by seven, eight like eighty-nine thousand. फिर one lakh twenty-seven thousand, multiply by four. फाइव लाख एट थाउजेंड सबका टोटल कर दे अगर अपने तो ट्वेंटी फोर 13000 थर्टीन थाउज़ेंड प्लस एट लाख एटी नाइन थाउजेंड फाइव लैख एट थाउजेंड थर्टी एट लैख टेन थाउजेंड रुपीज़ फिर अगर आपने एक्स और वाई का सी पी यू निकाले ना सी पी यू एक्स का था 12.5 पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव प्लस थ्री तो ये आ जाएगा 12.5 पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी रुपीज़ ट्वेंटी मल्टीप्ला वन लैख एलेवन थाउजेंड यह आ जाएगा ट्वेंटी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इस तरीके से ये आप रिकनसेल कर सकते हो बट अपने वाईफिकेशन अमाउंट तो चाहिए मटेरियल बेजिस ओवरहेड ओवर का वाई का चेक करें तो नाइनटीन प्लस सेवन प्लस फोर ये हो जाएगा थर्टी थर्टी मल्टीप्लाई बाई वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अगर आप वो करो वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई थर्टी तो आ जाएगा थर्टी एट लैख टेन थाउजेंड बट ऐसे कर नहीं सकते ये तो सिर्फ रिकनसल्ट कर रहे हैं कि कुछ कैलकुलेटिव एरर ना हो ठीक है चलो आपका आई क्या होगा इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं ठीक है बहुत ही सिंपल समझाइए नेक्स्ट देखना चलो इसमें आप सम नंबर फोर इजी है सम नंबर फोर भी चलो देखना ध्यान से फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेस बजट फॉर दी जान्युआरी 2013 ठीक है रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है तो परचेज किससे लिंक होता है कंजम्पशन से लिंक होता है कि कितना आप कंज्यूम करोगे ठीक है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज परचेज ध्यान देना एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन फर्स्ट जानवरी अब ये किसके लिए एक ही मंथ के लिए जान्यवरी टू वन मंथ का है तो आपको क्या चाहिए और परचेज है ना तो परचेज किस पर डिपेंडेड कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाह रहे हो और दैट इज ऑफ रॉ मटेरियल ना माइनस रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है तो उतना परचेस कर लो आप जितना कंज्यूम करोगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक में रखना है माइनस क्रेडिट मिलेगा ना जो ओपनिंग में ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्लियर है मैं इतना डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ बार बार रिपीटेडली बिकॉज ये बहुत ही सिंपल स्टफ है क्लियर है फॉर्मूला जैसा है नहीं ये तो कॉमन सेंस की बात है तो ध्यान देना है यहाँ पर एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन फर्स्ट जनवरी तो जनवरी का फर्स्ट स्टॉक एस्टिमेटेड है मीन्स फर्स्ट जनवरी का दैट इज ओपनिंग स्टॉक एस्टिमेटेड हो सकता है बिल्कुल अगर आप जनवरी से पहले बना दो तो एस्टिमेटेड वर्ड अप्रोप्रिएट है क्लियर है ओके एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन थर्टी कोई ऐसा नहीं बोले सर ओपनिंग स्टॉक कैसे एस्टिमेट हमको पता होता है मैंने उसी के लिए तो वो डिस्कशन किया था कि आप कब बना रहे हो उस पर डिपेंडेड है कि ओपनिंग स्टॉक एस्टिमेटेड है कि एक्चुअल नंबर है तो होने को दोनों हो सकता है कोई स्ट्रेस वाला बात नहीं है उसमें हमको तो एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन तो ये ये आपका ओपनिंग स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है एस्टिमेटेड कंजम्पन ध्यान देना ये एस्टिमेटेड कंजम्पशन दिया हुआ है यह ना फर्स्ट का नहीं है ये ए लाइन गलत है यहाँ पर एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर मंथ है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड फोटी फोर वन थर्टी टू थर्टी सिक्स एटी एट एंड वन सेवनटी टू एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जब तो परचेस करने जाएंगे ना तो ये प्राइस पे आपको मिल जाएगा ठीक है पूछा क्या परचेस बजट अब परचेस बजट दो तरीके से आ सकता है एक क्वांटिटी में और एक वैल्यू में तो वैल्यू में निकालने से पहले तो क्वांटिटी में तो निकालना पड़ेगा ना कितनी क्वांटिटी फिर रेट कौन सा है आपका परचेस करने का वो मल्टीप्लाई करो और फिर आप वैल्यू में भी निकाल सकते हो तो फर्स्ट जो टास्क चल रहा है दैट इज प्रिपेयरिंग परचेस बजेट इन क्वांटिटी एंड देन इन वैल्यू क्लियर है तो सब नंबर फोर परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू वैल्यू में भी हम लोग निकाल ही पाएंगे क्लियर है तो ध्यान देना चलो यहाँ पर्टिकुलर जितने भी प्रोडक्ट हैं ना वो सबका आपको करना पड़ेगा कितने प्रोडक्ट हैं वहाँ पे तो ए से लेके एफ तक प्रोडक्ट है वहाँ पे तो ए बी C D E एंड F परचेस बजट में कहा से स्टार्ट करेंगे तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक वो आपका आ जाएगा परचेस क्लियर है चलो ए पे कॉन्सेंट्रेट करना आप लोग ए का कंजम्पन कितना है ट्वेंटी और क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाह रहे हैं बीस ओपनिंग स्टॉक है सिक्सटीन तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड तो ये परचेस आ गया कितना है फोर्टी फोर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी में से सिक्सटीन माइनस कर दे वो तो ओपनिंग स्टॉक में थाई तो 24,000 परचेज इन क्वांटिटी ठीक है ट्वेंटी इतना परचेज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई है अब ध्यान देना सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 25 पैसा सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट मतलब परचेज प्राइस प्राइस पर यूनिट दैट इज़ 25 फाइव पैसा लेट्स किप पॉइंट टू फाइव रुपीज़ में रखते हैं अपने तो so, उसको पॉइंट टू फाइव लिखना पड़ेगा 25 फाइव पैसा को तो वैल्यू ऑफ परचेज ठीक है कितना परचेज करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड रुपीज देट इट ठीक है ऐसे ही बी सी डी ई एफ को कंप्लीट करना है आपको चलो देखना आप लोग अगर किसी को सिंपल रख रहा है तो वो यहाँ पे पॉज करें और एक बार कंप्लीट करें अपने साइड से ठीक है फिर आप आंसर देखना है सिंपल ही आप कर ही सकते हो तो यहाँ पे बी का क्या था कंजम्पन इज 44 क्लोजिंग इज 8 और ओपनिंग में 6 है तो 44,000 आपको कंज्यूम करना है ओपनिंग में 8,000 सॉरी क्लोजिंग में 8,000 था रखना है और ओपनिंग में 6,000 है ठीक है तो ध्यान देना 44 प्लस अपने ये क्लोजिंग में कितना रखना चाह रहे हैं फोर्टी फोर है 44 और 8 ये हो जाएगा आपका 52, क्लियर है 52 में से सिक्स तो ओपनिंग में था ही हो जाएगा आपका 46,000. 46,000 फोर्टी सिक्स थाउजेंड का रेट है फाइव पैसा तो इट इज ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो आई थिंक सो ये आ जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज एक बार कर लेते हैं फोर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीपलेबल जीरो पॉइंट जीरो फाइव ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज़ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज़ क्लियर है इसी तरीके से सी का चेक करते हैं सी का वन थर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फोर वन लैख थर्टी टू थाउजेंड प्लस ट्वेंटी एट थाउजेंड क्लोजिंग में रखना है जो माइनस ओपनिंग में कितना था ट्वेंटी फोर माइनस कर दे अपने ट्वेंटी फोर तो ये आपका आ जाएगा और रेट है उसका फिफ्टीन पैसा मतलब पॉइंट फिफ्टीन ओके वन थर्टी टू प्लस कितना था आपका ट्वेंटी एट क्लोजिंग वाला माइनस ट्वेंटी फोर यार वन थर्टी सिक्स वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड और रेट जो है वो फिफ्टीन पैसा है तो आंसर है ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीस ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीस चलो डी का चेक करना इजी है ना इसमें है क्या थर्टी सिक्स प्लस फोर माइनस टू थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड माइनस ओपनिंग में पड़ा ही है कितना टू थाउजेंड देख लो थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी माइनस टू कितना थर्टी एट थर्टी एट टेन पैसा से मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा थर्टी एट थाउजेंड और टेन पैसा से मल्टीप्लाई करे तो थर्टी एट हंड्रेड रुपीज ई के लिए चेक करना एटी एट प्लस सिक्सटीन एटी एट थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड ना क्योंकि उसका ओपनिंग स्टॉक का फोर्टीन थाउजेंड का ये रहा बीस पैसा ट्वेंटी पैसा तो इसका अगर पहले टोटल कर दे आपने तो एटी एट प्लस सिक्सटीन माइनस फोर्टीन नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड को एटीन थाउजेंड रुपीज आएगा नाइनटीन थाउजेंड को मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी ट्वेंटी पैसा तो एटीन थाउजेंड रुपीज एफ का चेक करें लास्ट दैट इज वन सेवेंटी टू प्लस थर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है जो ये था और थर्टी पैसा आपका रेट रहेगा तो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड प्लस थर्टी टू थाउजेंड माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड यार है वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई मल्टीपलेवे पॉइंट थ्री तो फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं चलो अब यहाँ पे इसको पॉज करके जिसका बाकी वो कंप्लीट करो अपने नेक्स्ट सम करते हैं ये लेक्चर सपोज आपके पास वन एंड हाफ आवर या टू आवर्स के आसपास आए ना दैट मीन्स यू नीड एप्रोक्स थ्री आवर्स टू कंप्लीट ठीक है तीन घंटे चाहिए बिकॉज अपने कॉपी करने के लिए टाइम नहीं दे रहे अलग से क्लियर तो यहाँ पे पॉज करके आप कॉपी कर लेना मैं आगे अपने सम करते हैं चलो नेक्स्ट सम देखना सम नंबर थ्री दैट इज़ लास्ट सम फॉर दिस लेक्चर ठीक है ये लेक्चर के लिए लास्ट सम है फिर अपने एकदम बेसिक पार्ट अपने इस सम इस लेक्चर में डिस्कस कर पाए रीड करना चलो ड्रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट मतलब परचेज बजट ठीक है प्रोक्योर मतलब परचेज करना इन क्वान्टिटिटी क्वान्टिटी में ही बताना है सिर्फ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटेड सेल्स एस्टिमेटेड क्योंकि आप ध्यान दो वो परचेस वाला बात ना मैंने ये जो फ्लो पहले बताया था उस बताने का रीजन ही यही है कि यहां तक आप भले पहुंचो बट ये इंपॉर्टेंट है ठीक है कि सेल्स है उसके बाद ये डिसाइड करो प्रोड्यूस कितना करोगे क्लियर है प्रोडक्शन के बाद ये डिसाइड करो कि प्रोडक्शन अगर इतना है तो कंजम्पशन कितना होगा और कंजम्पशन इतना है तो परचेस कितना होगा ये लिंक है क्लियर आप बीच में से सीधा उठा के अगर बोलने स्टार्ट कर दो कि ये परचेस होगा वो नहीं चलेगा तो ये चीज़ है ना यहाँ पर यूज़ होगी ध्यान देना ड्रॉ मटीरियल प्रोक्योरमेंट बजट दैट इज क्वान्टिटी मतलब क्वान्टिटी में दिखाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज फोर्टी थाउजेंड यूनिट मीन सेल्स बोला हुआ आपका कि चालीस हज़ार सेल्स करेंगे तो क्या सेल्स को उठा के मैं सीधा परचेस निकाल सकता हूँ नहीं सेल्स से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि सेल्स के बाद कि प्रोड्यूस कितना करेंगे प्रोडक्शन के बेस पर डिसाइड होगा कि डे रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा कंजम्पन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप क्या परचेस करने वाले हैं क्लियर है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर थ्री यूनिट ऑफ ए एंड फाइव यूनिट ऑफ बी मतलब एक यूनिट बनाने में ये कंजम्पन के लिए डेटा दिया है ध्यान देना सेल्स दिया है सेल्स के बाद आप प्रोडक्शन बोलोगे ना प्रोडक्शन में क्या एडजस्टमेंट होगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसका फिनिश गुड्स का तो आप डिसाइड कर दो कि हम लोग इतने फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं वो फिनिश गुड्स बनाने में रॉ मटेरियल दो तरीके का है यहाँ पे ए और बी देखो ध्यान से कितना यूज होगा ना कंज्यूम होगा वो पता चल जाएगा कंजम्पशन के बाद परचेस कर पाएंगे अब ध्यान देना थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिया हुआ year, है एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर ठीक है एस्टिमेटेड मतलब ईयर से पहले ही उन्होंने बना दिया है बजट ठीक है स्टार्ट होने से पहले तभी तो ओपनिंग स्टॉक में एस्टिमेटेड वर्ड लिख रहे हैं तो अगर ऐसा ही है तो ध्यान देना फिनिश गुड्स कितना है फाइव थाउजेंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज फाइव थाउजेंड यूनिट्स ठीक है अब लिंक नहीं बैठ रहा है ना तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे रॉ मटेरियल का कितना है ट्वेल्व एंड ट्वेंटी मटेरियल ऑन ऑर्डर तो होता है ना कभी कभी कि भाई हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर रखा हुआ है तो आ रहा है रॉ मटेरियल तो दैट इज़ एज गुड एज योर स्टॉक ठीक है वो आ ही गया अपने है अपने ऑर्डर प्लेस कर ही है उसके लिए कोई नया ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है फिर डिजायरेबल क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाह रहे हैं अपने तो सेवन थाउजेंड फिनिश गुड्स का फिर फिफ्टीन थाउजेंड ए का और मतलब रॉ मटेरियल का ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बी के रॉ मटेरियल का और ऑलरेडी ऑर्डर पे भी इतना होगा क्लोजिंग में भी क्लियर है ये डिज़ायरेबल है कि हम लोग इतना रखना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ए का जो रॉ मटेरियल ए है ना उसका पंद्रह हज़ार प्लस आठ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड यूनिट्स अपने स्टॉक में चाहिए हाँ कुछ ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा कुछ ऑर्डर मतलब अपने पास रिसीव हो चुका है पंद्रह हज़ार और आठ हज़ार का ऑर्डर भी प्लेस होना चाहिए ठीक है इन शॉर्ट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का स्टॉक हो गया ना स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिकली नहीं होगा बट वो ऑलरेडी मंगवा चुके हैं अपने ऑन ऑर्डर ही है क्लियर जैसे ओपनिंग में था वो हमारा काम है प्रोक्योरमेंट बजट परचेज बजट बट पर मैं वापस से बोलूँगा कि आप विदाउट कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन फिनिश गुड्स मटेरियल आप ये दोनों कैलकुलेट करने के बिना परचेस निकाल ही नहीं पाओगे तो इवन दोन बजे उसके बाद लेट्स कैलकुलेट कंजम्पन ऑफ रॉ मटेरियल बजेयर वॉट परचेस बजट तो पूछा भले परचे बट करना तो सब पड़ेगा तो पहला टास्क है फर्स्ट जो काम करना चाह रहे हैं ना वो बनाना चाह रहे प्रोडक्शन बजट फॉर फिनिश गुड्स फ्रीडीज़ फिनिश गुड्स है उसी का तो प्रोडक्शन बजट होगा कितना प्रोड्यूस करेंगे तो पर्टिकुलर एंड यूनिट्स ओके प्रोडक्शन कैसे डिसाइड होता है तो सेल्स जो होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ना ओके तो सेल्स ध्यान देना सेल्स आपने क्या बोला फोर्टी थाउजेंड यूनिट का सेल्स करेंगे प्रोडक्शन होगा तो ना रॉ मटेरियल तो करेंगे okay, देना. अब आपका stock, का है? 5, और क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाह रहे हैं सेवन थाउजेंड उसका ऑन ऑर्डर नहीं होगा फिनिश गुड्स तो अपने बना रहे ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक सेवन थाउजेंड ओपनिंग स्टॉक थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड सेल्स करना है तो यहां सेल्स क्लोजिंग स्टॉक सात हजार रख रहे और ओपनिंग स्टॉक पांच हजार है ही तो कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये रहा पांच हजार देखो ध्यान से ओपनिंग स्टॉक ये रहा ओपनिंग बैलेंस फाइव थाउजेंड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस सेवन थाउजेंड तो फोर्टी बेचना है सेवन क्लोजिंग में रखना है फोर्टी सेवन माइनस फाइव थाउजेंड तो ओपनिंग में था तो फोर्टी टू थाउजेंड क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूस तो प्रोडक्शन ही हो गया अब ना प्रोडक्शन के बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि कितने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करने वाले हो तो नेक्स्ट जो बजट होगा ना वो होगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और रॉ मटेरियल इस बार दो है तो पर्टिकुलर ए एंड बी क्लियर है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यहां पर लिख देते नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस क्योंकि ना रॉ मटेरियल जो कंजन है दैट इज बेस्ड ऑन वॉट प्रोडक्शन दैट इज वॉट फोर्टी टू थाउजेंड यूनिट अब ए कितने क्वान्टिटी चाहिए एक के लिए तो ये रहा ए रिक्वायर थ्री यूनिट सॉरी मटेरियल ए कितने यूनिट थ्री यूनिट और मटेरियल बी फाइव यूनिट फॉर वन वन फिनिशोर्स ठीक है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर थ्री यूनिट ऑफ ए एंड फाइव यूनिट ऑफ बी चलो ये समझ में आ रहा है ना ओके okay. तो अगर ऐसा है ध्यान देना फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फाइव इस तरीके से आप ए का कितना कंज्यूम करोगे वो आ जाएगा ए के थ्री और बी के कितने थे फाइव तो फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री करें अगर अपने आ जाएगा वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और इसका आ जाएगा टू लैख टेन थाउजेंड क्या ये अपने ऐसा बोल पाएंगे परचेज है बिल्कुल नहीं ये परचेस नहीं है कंजम्पन है अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक एड ओपनिंग स्टॉक माइनस फिनिश रॉ मटेरियल का ठीक है तो परचेज आ जाएगा तो नेक्स्ट परचेज बजट पर्टिकुलर परचेज दोनों का है ठीक है ए प्लस बी उसका फार्मूला क्या होगा कंजम्पशन खैर फॉर्मूला जैसा कुछ है ही नहीं ठीक है ये बहुत ही सिंपल बात है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कंजम्पशन ए का ये रहा कितना वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड पे बहुत ही क्लियर है ठीक है और इसका है टू लैख टेन थाउजेंड अब सुनना ध्यान से अगर अपने क्लोजिंग स्टॉक चेक करें तो ध्यान देना चलो क्लोजिंग स्टॉक ये रहा मटेरियल ए का पंद्रह हजार और आठ हज़ार का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका हो ठीक है थीके? मतलब क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास ट्वेंटी थ्री थाउजेंड चाहिए यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी थ्री इसका ब्रैकेट में मैं दिखा दूंगा फिफ्टीन प्लस एट का हिसाब ओपनिंग स्टॉक तो ये रहा ट्वेल्व थाउजेंड और सात हजार का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं अपने तो नाइनटीन है ये ट्वेल्व प्लस सेवन इसका हिसाब ट्वेल्व थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड कंप्लीट करें तो वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड माइनस नाइनटीन थाउजेंड तो ये आ गया वन लैख थर्टी थाउजेंड यूनिट्स और क्वांटिटी में दिखाना है ठीक है दैट इज परचेज दैट इज ओनली क्वांटिटी कि इतने यूनिट आपको परचेस करने पड़ेंगे फुलफिल करने के लिए सब कुछ ए के बी का चेक करें तो बी का भी आ ही जाएगा ना ये टू लैख टेन थाउजेंड आपका टू लेख टेन थाउजेंड आपका कंजन है क्लोजिंग स्टॉक बी का चेक करें तो ट्वेंटी फाइव प्लस टेन थर्टी फाइव ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी प्लस इलेवन थर्टी वन कंप्लीट कर देते दो टू लैख टेन थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी वन थाउजेंड यार है टू लेख फोर्टीन थाउजेंड इतने यूनिट्स आपको परचेस करने पड़ेंगे तभी जाके सब कुछ सेटल हो जाएगा क्लियर है तो ये सम में क्या समझे कि वो फ्लो इंपॉर्टेंट है आप सीधा परचेस पे जाओगे तो मिलेगा नहीं परचेस आपको फ्लो में जाना पड़ेगा ठीक है सेल्स के बाद प्रोडक्शन कितना करना है फिनिश गुड्स का वो फिनिश गुड्स के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा वो और लास्ट में परचेस क्लियर है रॉ मटेरियल का परचेस कितना होगा अब इसमें अगर वैल्यू पूछता ना परचेस का वैल्यू तो ये जो यूनिट आया मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस क्या है परचेस का वैल्यू आ जाता क्लियर है चलो वन बाय वन इसको कंप्लीट करना ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन बजट ठीक है इसको पॉज करके कंप्लीट कर लो रॉ मटेरियल कंजम्पशन दैट इज सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दो इसको पॉज करके एंड परचेस बजट ठीक है ये लास्ट आंसर है ये अल्टीमेट आंसर यही था बट वो फ्लो में ही जाना पड़ेगा क्लियर है तो यहाँ तक रखते हैं आज इस लेक्चर में कोई होमवर्क सम नहीं है बट नेक्स्ट लेक्चर से आपको होमवर्क सम मिलने लगेगा ठीक है तो यहाँ तक रखते हैं ये चैप्टर ये लेक्चर के लिए ठीक है ओके